देखिएगा थोड़ा ध्यान से, हम बात कर रहे थे एमएस पेंट, एमएस पेंट को हम लोग शॉर्ट में पेंट कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं पूरा नाम बताऊं एमएस पेंट, ये जो आपका है ना एमएस पेंट, अगर मैं इसका पूरा नाम बताऊं तो एम से होता है माइक्रो और एस से होता है सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, और ये पेंट तो ये पेंट है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट लगा हुआ है इससे हमें पता चलता है कि ये जो है एमएस पेंट ये माइक्रोसॉफ्ट का है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है ना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अपने सारे सॉफ्टवेयर में पीछे वो अपना क्रेडिट लेता है। जैसे अगर मान लो अगर आप वर्ड यूज करते हो तो क्या बोलते हो, एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आप पावर पॉइंट यूज करते हो तो क्या इधर रहता है लिखा हुआ, एमएस पावर पॉइंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल है, तो वो सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर के पहले अपना कंपनी का वो लगा देता है कि देखो भाई ये जो एमएस पेंट है, एमएस पेंट ये माइक्रोसॉफ्ट का है। अब हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो एमएस पेंट एक साधारण, ठीक है, ड्राइंग या कह सकते हो योगा का क्या चीज, ड्राइंग या पेंटिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, ध्यान देना जी, एमएस पेंट एक साधारण ड्राइंग या पेंटिंग करने की एप्लीकेशन है। अब ये जो एमएस पेंट है वो हमें सामान, एमएस पेंट हमें सामान्य तौर पर किसी भी इमेज को एडिटिंग करने की सुविधा देता है, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत, ठीक है ना, थोड़े बहुत इमेज एडिटिंग करने की सुविधा देता है। लेकिन हम एमएस पेंट में तरह तरह के पेंटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ्लैग बनानी हो, अगर आपको कोई एनिमल की ड्राइंग करनी हो, कोई मैन की ड्राइंग करनी हो, कोई प्लेस की ड्राइंग करनी हो, आप किसी भी तरह कोई प्लांट की ड्राइंग करनी हो, आप एमएस पेंट के जरिए ये ड्राइंग कर सकते हैं। ये लगभग ना ये सभी लोगों को पता है कि एमएस पेंट के जरिए हम सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग करते हैं, लेकिन नहीं रे बाबा, हम लोग इससे भी ज्यादा कई चीजें हम लोग इसमें कर सकते हैं। एमएस पेंट की सहायता से हम लोग और भी कई चीजें कर सकते हैं। ओके, अब बोलो कैसे। देखो आप सुने होंगे साइबर कैफे, साइबर कैफे के बारे में आप जानते होंगे। साइबर कैफे क्या होता है, साइबर कैफे एक ऐसा स्थान होता है जहां पे इंटरनेट की सुविधा दी जाती है, उसे साइबर कैफे हम लोग कहते हैं। तो साइबर कैफे में ज्यादातर लोग ना एमएस पेंट का यूज करते ही हैं। यानी अगर मान लो कि कोई आपके पास फोटो है, उस फोटो की साइज को कम करना हो या फोटो को क्रॉप करना हो, है ना, तो ये सभी चीजों के लिए ये एमएस पेंट का यूज करते हैं और रियली में करता है। अगर आप एमएस पेंट में कोई भी फोटो को क्रॉप करोगे तो उसकी जो साइज है ना वो बहुत लो हो जाएगी, तो ऐसे में ये आपको फायदा दे सकता है, आप इमेज को क्रॉप भी कर सकते हो। इसके अलावा एमएस पेंट में लोगो भी बनाया जा सकता है अगर आप एडवांस तरीके से इस एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे तो। लेकिन आप मेरे कोर्स में ज्वाइन है तो आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि हमने 5 दिन का समय लिया। ठीक है, हम लोगों ने कितने दिन का समय लिया, हम लोगों ने 5 दिन का समय लिया, इसीलिए लिया ताकि हम लोग एडवांस तरीके से, ठीक है ना जी, हम लोग एडवांस तरीके से क्या क्या सीख पाए, एडवांस तरीके से हम लोग पेंट सीख पाए, एडवांस तरीके से हम लोग नोट पैड सीख पाए, और उसके बाद हम लोग एडवांस में वर्ड पैड सीख पाए। ये तीनों चीजें है ना, पेंट हो गया,
नोटपैड हो गया और वर्ड पैड हो गया, ये तीनों चीजों को हम लोग एडवांस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा, ठीक है ना। और कुछ दिन बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मास्टर कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोर्ड पर छोटी छोटी टेक्स्ट दिखाई दे रही होगी, तो मैं अब से बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए तो एक बार और रिमेम्बर करवा देता हूं आपको। तो चलिए एमएस पेंट की जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको अपने पीसी पर बताता हूं। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, क्योंकि कुछ दिन बाद आपका टेस्ट फिर से है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले हम लोग एमएस पेंट को ओपन करना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एमएस पेंट को कितने तरीकों से ओपन किया जा सकता है। पहले वाला मेथड क्या था भैया, आप स्टार्ट बटन पर जाओ और यहां से ढूंढो कि एमएस पेंट कहां है। चाहे आप विंडोज 7 यूज करते हैं, विंडोज 8 यूज करते हैं या फिर विंडोज 10 यूज करते हैं, आप यहां पे क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन, जिसको हम लोग कहते हैं विंडो लॉगो की। यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पे सर्च करते हैं कि भाई एमएस पेंट कहां पर है। लेकिन ये कोई अच्छा मेथड नहीं कह सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप एक्सपर्ट तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना सीखिए। तो सबसे पहला मेथड क्या है, चलिए आपको कीबोर्ड में विंडोज के साथ में आर दबाना है। क्या दबाना है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको कीबोर्ड में विंडोज के साथ में क्या दबाना है, आपको विंडोज के साथ में आर, विंडोज आर। तो जैसे ही आप विंडोज आर दबाओगे, ठीक है, तो आपके पास एक रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये वाला जहां पे लिखा हुआ रहेगा टाइप द नेम ऑफ अ प्रोग्राम फोल्डर डॉक्यूमेंट्स और इंटरनेट रिसोर्स एंड विंडोज विल ओपन इफ फॉर यू। आप क्या ओपन करना चाहते हो उसका रन कमांड दो। यहां पे ब्राउज का ऑप्शन है, अगर आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो देखो आपके पास ऐसा खुल जाएगा। आप जो ब्राउज करना चाहते हो उसमें जो इंसर्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन मेरे को तो एमएस पेंट खोलना है, तो मेरे को लिखना होगा यहां पे एमएस पेंट, बस पेंट नहीं लिखना है, एमएस पेंट, और आपको ओके कर देना है या कीबोर्ड में इंटर कर देना है। तो फाइनली आपका जो एमएस पेंट होगा वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, और तरीका क्या है, और तरीका यह है कि यहां पे ये जो आपका सर्च वाला ऑप्शन है ये विंडोज 7 में भी होता है, 10 में भी होता है और 8 में भी होता है। यहां पे लेफ्ट साइड में सर्च करने वाला ऑप्शन होता है, वहां पे आपको लिखना है पेंट, ठीक है ना। जब पेंट आप लिखोगे तो देखो यहां पे दो ऑप्शन शो करता है, एक है पेंट और एक है पेंट 3D। तो पेंट अगर आप विंडोज 7 यूज करते हैं तो पेंट सिर्फ आएगा, अगर आप विंडोज 10 यूज करते हैं तो एक पेंट भी आएगा और एक पेंट 3D आएगा। ये जो पेंट 3D है इसके जरिए आप 3D बना सकते हो, 2D बना सकते हो। देखो बहुत सारा ऑप्शन होता है, ऐसे मान लो कि कोई भी आप शेप यहां पर इंसर्ट करोगे ना, तो आप इसको 2D 3D आपको जैसे इसको आप बनाना है आप इसको उस तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे को पेंट ओपन करना था ना, मैं इसको डॉट से भी कर देता हूं। तो मैं सर्च करूंगा पेंट और ये जो यहां पे है ये पेंट शो कर रहा है, यहां से खोल दूंगा तो ये खोल जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये यहां पे जो स्टार्ट मेन्यू है जिसे हम लोग स्टार्ट बटन कहते हैं, अगर आप यहां पर भी क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहां पे भी आपको ये खुलकर आता है, जहां से आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या यूज करना है, ठीक है ना। और जैसे मान लो आपको पेंट यूज करना है तो पी से देखो आप सर्च कर लेना किसमें होगा, यहाँ पी इसमें नहीं होगा, और नीचे ये नहीं है, और नीचे इसमें नहीं है, और नीचे आप देख लेना, ठीक है। आप सर्च कर लेना
यहां से आप सर्च कर सकते हो, लेकिन अगर यहां ये तो आपका देखो ये रिसेंट एडेड है, ठीक है ना, ये रिसेंट एडेड है, आप देख लेना कहां पर है वो एमएस पेंट, ठीक है। सबसे बढ़िया होगा विंडोज आर दबा करके आप एमएस पेंट लिख देना। मैं एग्जाम में मैं आपसे पूछूंगा कि पेंट ओपन करने के लिए हम कौन सा रन कमांड यूज करते हैं। तो चलिए हम यहां से पेंट ओपन कर लेते हैं और बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो जब आप पेंट यूज ओपन करोगे तो ऊपर में एक ये ऑप्शन होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, राइट। तो ये जो ऑप्शन है इसको क्लोज कहते हैं, इसको रिस्टोर जिसको आप मैक्सिमाइज कह सकते हो, और ये आपका मिनिमाइज होता है। तीन बटन शो करता है, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और ये मिनिमाइज बटन। मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, जैसे ही वीडियो खत्म होता है मैं आपको नोट्स भी दे देता हूं, है ना। तो नोट्स में आपको ये सभी चीजें दर्शाया गया होगा, आप चेकआउट कर लेना। तो यहां पे ये जो क्लोज बटन है, तो जैसे ही आप यहां पे क्लोज वाले बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये क्या होगा ना, ये आपका पेंट है वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखना, अगर आप कुछ भी इसमें काम करते हैं और काम करने के बाद अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आपके पास एक पॉपअप विंडोज खुलेगा और वो खुद कहेगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड, यानी कह रहा है कि आप यहां पे इस पेंट को क्लोज करना चाहते हो तो आप जो काम कर रहे हो पहले से उसको क्या करना है। जैसे मान लो अभी हम यहां पे काम कर रहे हैं, हम यहां पे कोई फिगर ड्रा कर रहे हैं, हम यहां पे कुछ भी कर रहे हैं, और अचानक से अगर कोई यहां पे इसको क्लोज करना चाहता है तो क्लोज हो जाएगा, क्लोज नहीं होगा। एप्लीकेशन चालाक है, यहां पे शो करेगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू एंटरटेनमेंट, ये कह रहा है कि आप इस एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हो तो कैसे। आप चाहते हो कि सेव भी हो जाए तब क्लोज हो, डोंट सेव यानी कि सेव नहीं होगा और क्लोज हो जाएगा, कैंसल मतलब कुछ भी नहीं होगा। मान लो कि आप सेव पर क्लिक करोगे तो यहां पे सेव करने का ऑप्शन शो करेगा। सेव का मतलब होता है सुरक्षित करना। ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो आप यहां पे ड्राइंग कर रहे हो, ये ड्राइंग खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा, जब यहां पे आप क्लोज पे क्लिक करोगे और डोंट सेव पर क्लिक कर दोगे तो ये जो आप काम कर रहे थे एक खत्म हो जाएगा। तो यहां पे एक ऑप्शन देता है कि भैया आप इसको सेव कर लो। जब आप यहां से, मैं सेव करता हूं डीके वर्मा के नाम से, जब आप इसको सेव कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक, क्या देखो यहां पे कर रहा है ये रॉन्ग है, मैं सेव कर लेता हूं डेस्कटॉप के ऊपर, ये सेव। देखो जैसे ही हमने सेव किया वैसे ही क्लोज हो चुका है, सेव होते ही ये क्लोज हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप क्लोज कुछ भी लिखोगे करोगे और क्लोज करोगे तो भैया पूछेगा ना कि जो आप अभी काम कर रहे थे उसको ऐसे ही छोड़ देना है या फिर सेव कर देना है। अगर आप इसको सेव नहीं करना चाहते हैं तो आप डोंट सेव पर क्लिक कर दीजिए तो एमएस पेंट क्लोज भी हो जाएगा और सेव भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस इसका यही है कि आप एमएस पेंट को क्लोज कर सकते हैं ये रेड बटन से। अगला ये ऑप्शन है, ये जो अगला है ये है मैक्सिमाइज। अगर आप मान लो कि यहां मिनी एग्जांपल्स में आप इसको ऐसे कर देते हो, ये देखो ऐसे हो गया, इसको आप जितना चाहो उतना ऐसे कर सकते हो। दोबारा से फुल स्क्रीन लाना है, दोबारा से फुल स्क्रीन लाना है तो आप यहां से मैक्सिमाइज करोगे ये फुल हो जाएगा, ये आपका मिनिमाइज होता है। जैसे ही आप ये मिनिमाइज वाले बटन पे आप क्लिक करोगे ना तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, और मिनिमाइज होने के बाद ये टास्क बार पर चला आएगा, ये आपका टास्क बार है, क्लॉज नहीं होगा, क्लॉज नहीं होगा, ये आपको मिनिमाइज हो जाएगा, और मिनिमाइज होने के बाद ये आपको टास्क बार पर चला आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका मिनिमाइज। अच्छा और बात करते हैं, ये देखो सबसे ध्यान से अगर आप देखोगे तो नीचे में एक माइनस का आइकॉन है और एक प्लस का आइकॉन है और बीच में एक जूम का स्लाइडर है जिसको जूम स्लाइडर कहते हैं। ये जो बीच में आपका शो कर रहा है ये जूम स्लाइडर होता है, कौन होता है आप ध्यान से देखो, मैं जूम कर रहा हूं और आपको ये शो करवा, ये जो आप देख रहे हो ये एरो मैं
मैं एरो को हटा लेता हूं, ठीक है। अब मैं जूम कर देता हूं, देखो ये जो ब्लू बन रहा है, ब्लैक बन रहा है, ये जूम स्लाइडर होता है। आप इसको ऐसे करके, इसको ऐसे करके, इसको ऐसे ऐसे आप स्लाइड कर सकते हो। देखो इसको, ये स्लाइड आप खींचोगे, जैसे जैसे आप इसको खींचोगे वैसे वैसे जूम होता जाएगा, और जैसे जैसे पीछे के खींचोगे ये जूम आउट होता जाएगा, आप देख सकते हो, है ना। तो ये जो आपका हो गया, ये एक्चुअली में जूम स्लाइडर है। क्या है? जूम स्लाइडर है। और ये जो माइनस वाला आइकॉन शो कर रहा है, ये होता है जूम आउट, जूम आउट करने का। आप अगर चाहते हो कि हम इस जूम स्लाइडर से जूम ना करें, तो आप माउस का लेफ्ट बटन बारी बारी से क्लिक कर करके आप जूम आउट कर सकते हो, और प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके आप इसको जूम कर सकते हो, और यहां पर आप जूम आउट कर सकते हो। अब ये जो पूरा एरिया है, ये जो आपका पूरा एरिया हुआ, यानी कि ये वाला पूरा एरिया जिसमें कि 100% माइनस आइकॉन, स्लाइडर, प्लस आइकॉन, ये सभी को मिला करके हम लोग कहते हैं जूम, जूम लेवल। इसको हम लोग कहते हैं जूम लेवल। ये जो आपका हुआ, ये हुआ जूम लेवल। तो आप समझ गए कि जो राइट साइड में प्लस माइनस ये सारे दिख रहे हैं, वो होता है जूम लेवल, ठीक है ना, और स्लाइडर आपका। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट में अगर आप ध्यान दोगे, तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, यहां से लेकर, मैं इसको पहले हटा देता हूं, ठीक है, मैं इसको सारे को डिलीट कर देता हूं। देखो हाँ, आप देखो ये जो यहां से देख रहे हो, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना जी। ये देखो, ये आपका ये वाला लिखा हुआ है, उसके बाद ये है, ये सब है, ये सारे जितने भी नीचे में दिखाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं? स्टेटस बार। यानी कि आप स्टेट, हाँ मैंने आपको बता दिया कि इसे हम लोग कहते हैं स्टेटस बार। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि स्टेटस बार क्या होता है। तो देखिए, जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं, अगर आप कोई शेप को लेते हैं, अगर आप अपने पेज की साइज को कम करते हैं, पेज की साइज को ज्यादा करते हैं, जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं, ये सभी प्रक्रियाएं अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में करते हैं, तो ये जो स्टेटस बार है, ये आपको शो करेगा कि आपके पेज की जो साइज है वो इतनी है, आपकी शेप की जो साइज है वो इतनी है। यानी स्टेटस बार आपको नोटिफिकेशन की तरह काम करता है कि जब आप अपने कोई भी शेप को इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट, अपने ये एमएस पेंट के अंदर, तो वो शो करता है। एग्जांपल्स में मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे मान लो कि आप कोई भी शेप को इंसर्ट करते हैं, जैसे मान लो आप इस वाले शेप को इंसर्ट करते हैं, तो मैंने इस पर क्लिक करा और मैंने इसको यहां पर ड्रा किया। देखो जैसे जैसे मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं, वैसे वैसे स्टेटस बार में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको शो कर रहा होगा स्टेटस बार में, यहां पे देखो, ये यहां पे अगर आप देखोगे ये वाला, ये सब देखो 246 गुना 118 पिक्सल, 1360 गुना 573 पिक्सल, ये चेंज होते जाते हैं। जैसे जैसे आप यहां पे आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे यहां पे आपकी साइज को वो शो करेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है, मैं आपको डीपली बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग सारे ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में भी जानेंगे कि भैया ये वाला क्या होता है, है ना, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पे क्या है, सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आप एक्चुअल में क्या होता है, राइट। अगर आप विंडोज 10 यूज करते हैं और विंडोज 10 के अंदर अगर आप एमएस पेंट को खोलते हैं, तो राइट साइड में आपको एडिट विथ 3D पेंट शो करेगा, ठीक है ना, एडिट विथ पेंट 3D। आप 3D पेंट में के साथ एडिट कर सकते हैं, है ना। चलिए उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में जो कि यहां पे लिखा हुआ है अनटाइटल पेंट, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है यहां पे, अनटाइटल पेंट। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं।
ये जो अनटाइटल है वो आपका टाइटल नेम है, और ये जो आपका पेंट है वो तो आपका पेंट है ही, यानी अनटाइटल आपके डॉक्यूमेंट का यानी आपका ये जो फाइल है उसका ये नेम है, और ये जो पेंट है ये आपको शो करता है कि आपने एमएस पेंट को खोल करके रखा है। तो एमएस पेंट तो एमएस पेंट है ही, लेकिन ये जो अनटाइटल है वो आपका फाइल नेम होता है। क्यों? अभी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी अनटाइटल है क्योंकि हमने इस टाइटल को कोई भी नाम नहीं दिया है। तो जिसे हम लोग नाम नहीं देते हैं, जिसका कोई टाइटल नहीं होता है, उसे हम लोग अनटाइटल कहते हैं। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इस डॉक्यूमेंट इस फाइल को हमें सेव करना होगा। जैसे ही हम इस फाइल को सेव कर देंगे तो जिस नेम से सेव करेंगे वो नाम यहां पे शो करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि हम सेव कैसे करेंगे। तो सेव करने के लिए, इस फाइल को सेव करने के लिए, इस प्रोजेक्ट वर्क को सेव करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा फाइल मेनू के अंदर। ये जो आपका फाइल है, होम है, व्यू है ना जी, मैं बता रहा हूं ये जो व्यू है, ये होम है, और ये जो फाइल है उसको कहते हैं मेनू। मेनू क्या होता है? मेनू वो होता है जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप होते हैं। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि अगर आप किसी भी होटल में जाते हो तो वहां पे एक मेनू देता है और उस मेनू के अंदर कई सारे ग्रुप होते हैं, तो इसीलिए हम लोग व्यू को व्यू मेनू कहते हैं, होम को होम मेनू कहते हैं, और फाइल को फाइल मेनू कहते हैं। अब ये जो मेनू है, इसको मेनू को आप टैब भी कह सकते हो, आप कह लो व्यू टैब कह लो, होम टैब कह लो, है ना। तो आप इसको टैब भी कह सकते हो, अगर आपको इच्छा है तो आप इसको मेनू भी कह सकते हो, राइट है। हाँ, तो मेरे को क्या करना था, मेरे को इस प्रोजेक्ट वर्क को, इस फाइल को सेव करना था। सेव हम लोग इसलिए करते हैं, मान लो आप कुछ काम कर रहे हैं और वो काम आज पूरा नहीं हुआ है। मान लो आप फ्लैग बना रहे हो और आज फ्लैग नहीं बन पाता है, और आप चाहते हो कि इसी प्रोजेक्ट वर्क पर, इसी फाइल में हम कल दोबारा काम करें, तो ऐसे में आपको सेव करना होगा। जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क को सेव कर लेते हैं, यानी अगर आप इस फाइल को सेव कर लेंगे तो दोबारा से हम कल इस फाइल को ओपन करके उसमें दोबारा से काम करेंगे। तो एक सवाल क्या था कि फाइल को सेव क्यों करें, तो सेव इसलिए करें ताकि हम उस पर बाद में काम कर सके और जब चाहे तब उसे हम अपनी इच्छा अनुसार उसे देख सके। तो मेरे को सेव करना है, तो सेव करने के लिए फाइल में जाना होगा और एक स्पेशल ऑप्शन देता है सेव का। अभी हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, सेंड इन ईमेल, ये जितने भी ऑप्शन है ना, वो सारे ऑप्शन के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे जब हम लोग मेनू के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ जान रहे हैं कि भैया ये जो अनटाइटल है वो चेंज कैसे होगा। तो फाइल मेनू में जाऊंगा, सेव में जाऊंगा, और मैं नाम दूंगा। देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो था ना, अनटाइटल था। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं AIO कंप्यूटर, है ना, और इसको लिखने के बाद मैं यहां से इसको सेव कर देता हूं। आप ध्यान से देखोगे तो जहां पे अनटाइटल था वहां पे आपको AIO कंप्यूटर जॉन यहां पे शो कर रहा है, और ये जो पेंट है वो तो पेंट रहेगा ही, है ना, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आपने समझ लिया कि यहां पे फाइल नेम होता है जिससे हम सेव कर दे, राइट है। चलिए, अब अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, मैं आपको जूम कर देता हूं, ये जो आपको शो कर रहा है इसको कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यानी ये जो आपका छोटा सा डाउन एरो जो शो कर रहा है,
इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यानी हम एक्सेस, अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि भैया कस्टमाइज का मतलब तो समझ में आ रहा होगा आपको। कस्टमाइज का मतलब होता है आप उसको अपने इच्छा अनुसार उसे एडिट कर सकते हैं, जहां मन वहां ला सकते हैं, जिसे हम लोग कस्टमाइज के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके बाद जो आ रहा है क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज का मतलब तो हमने समझ लिया है ना जी, कस्टमाइज का मतलब हमने समझ लिया, अब बात हो रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। तो समझिए क्विक, क्विक का मतलब होता है भैया क्विकली, तुरंत। एक्सेस का मतलब होता है आपको एक्सेस मिल गया। टूल बार भैया आप टूल बार में तुरंत जा सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये वो ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑप्शन को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से समझाता हूं। जैसे मान लो अगर आपको सेव करना है, इस प्रोजेक्ट वर्क को, इस फाइल को सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना पड़ता है और उसके बाद सेव में जाना होता है। लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार से आप डायरेक्टली अपने स्क्रीन पर ऊपर में सेव वाला ऑप्शन ला सकते हैं, और जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो शो हो जाएगा। तो अब आपके मन में जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। हम किसी भी टूल को ऊपर के स्क्रीन में ऐड कर सकते हैं और जब चाहे तब हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। मैं यहां पे क्लिक करूंगा, देखो अभी यहां पे देख रहे हो कि ये सेव है, अंडू है, रीडू, यानी तीन ऑप्शन अभी इनेबल है, एक रीडू, अंडू, सेव। अब मैं ये जो तीन ऑप्शन है उसको मैं काउंट करवाता हूं। देखो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये सेव वाला है, ठीक है, ये दिख रहा है ना बॉक्स सेव वाला, ये देखो ये जो एरो है ना उल्टा, अंडू और ये रीडू, तीन ऑप्शन। तो भैया कितना ऑप्शन? तीन ऑप्शन। अच्छा तो इसमें जाते हैं तो कितना ऑप्शन इनेबल है, कितना ऑप्शन खुला है, सेव खुला है, अंडू खुला है, रीडू खुला है। तो जब आप तीन ऑप्शन को इनेबल करके रखोगे तो ऊपर में तीन ऑप्शन शो करेगा। ये आपका सेव है। अब हम लोग बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे, अंडू क्या होता है, रीडू क्या होता है। चलो मान लो आप ओपन वाला चाहते हो तो इस पर क्लिक कर, तो देखो एक और ऑप्शन आ गया है ना। अच्छा फिर जाओ प्रिंट, एक और आ गया। अच्छा और जाओ सनी मेल, एक और आ जाओ न्यू, एक और जाओ प्रिंट। देखो पहले इतना था, पहले सिर्फ और सिर्फ सेव वाला था, अंडू था, रीडू था, ये और ये एक्स्ट्रा आया है क्योंकि आपने इसको कस्टमाइज किया है ना। तो आपको जो हटाना है उस पर फिर से क्लिक करो और इसको दोबारा से आप इसको आसानी पूर्वक दोबारा से इसको आप हटा सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने लगभग हटा दिया। और यहां पे एक और ऑप्शन है, यहां पे मिनिमाइज द रिबन, जब आप यहां पे क्लिक कर दोगे तो देखो क्या हो रहा है, ये सारा खत्म। अब आपको फिर से वहां जाना होगा और यहां से ये हटाना होगा। देखो आ गया, आप देख रहे हो, देखो। अब भैया ये चीज को हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे? अगर आप किसी भी टैब पर, चाहे होम टैब पर या व्यू टैब पर, अगर आप माउस का लेफ्ट बटन लगातार जल्दी जल्दी दो बार क्लिक करोगे तो आ जाएगा। आ गया, हटाना है, लगातार माउस का लेफ्ट बटन दो बार दबाओ, गायब हो गया, जो कुछ नहीं शो कर रहा है। दोबारा लगातार दो बार क्लिक करो, आ गया।
लगातार दो बार क्लिक कर हट जाएगा। तो वही चीज है भैया कि यहां पे आप कर सकते हो। अच्छा, शो बिलो द रिबन आप यहां पे शो करवा सकते हो। देखो शो कर दिया, यानी देखो इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? मैं बताता हूं, कुछ चमत्कार हुआ है। अभी ऊपर में टाइटल बार के बगल में ये शो कर रहा था, टाइटल बार के बगल में ये शो कर रहा था सेव वाला, अंडू वाला और रिडो वाला, लेकिन अब ये नीचे हो गया। अब क्या हो गया? नीचे हो गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया था, आपने पहले मैं कर देता हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये ऊपर में चला गया, आप क्या किए थे अभी 5 सेकंड पहले आपने यहां पर जाकर के इसको चूज किया था, किसको? शो बिलो बिलो द रिबन, शो बिलो द रिबन यानी कि रिबन के ये देखो नीचे, ये नीचे शो करेगा। जैसे आप यहां पे क्लिक कर दोगे तो देखो नीचे आ गया, और इसको ऑन कर दोगे तो ऊपर चला जाएगा, है ना? आई होप आपको समझ आ गया होगा ना। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो ये है रिडो, इसका मतलब क्या होता है। इसका शॉर्टकट कीज कंट्रोल वाई होता है। जैसे आप देख लो, आपने इस फिगर को ड्रा किया, फिर इस पर आपने क्लिक किया और फिर माउस से खींचा, इसको ड्रा किया, आपने इसको ड्रा किया। अब देखो, अब ये आपने सिर्फ 3 शेप को केवल आपने ड्रा किया, केवल ड्रा किया, ना आपने डिलीट किया, ना आपने इसमें कुछ छेड़छाड़ किया। तो जब आप कुछ नहीं करोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है रीडू का, ये हाईलाइट नहीं होगा, ये हाईलाइट नहीं होगा, इसके बगल में जो है वो हाईलाइट होगा। अब इससे क्या होता है, देखो जब आप इस पर एक बार क्लिक करोगे तो एक स्टेप बैक आओगे, अगर फिर से क्लिक करोगे तो फिर से एक स्टेप आप बैक आओगे, फिर से वहां पे क्लिक करोगे तो फिर से आप एक स्टेप बैक आओगे। अब बार बार माउस से क्लिक करना ठीक बात नहीं है, आपको शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करना है। अभी देखो पहले तो ये हाईलाइट नहीं था, रिडू वाला जो ऑप्शन था ये हाईलाइट नहीं था, रिडू लास्ट एक्शन कह रहा है, लेकिन अब ये हाईलाइट हो गया है। इसलिए हाईलाइट हुआ है क्योंकि हमने 3 शेप को यहां पे ड्रा किया था, हमने 3 शेप को ड्रा किया था लेकिन हमने 3 शेप को हटा दिया, इसीलिए रिडू को ऑप्शन दे रहा है कि भैया जो आपने अभी हटाया था उसको आप दोबारा से इसके माध्यम से ला सकते हो। तो अगर आप यहां पर हम क्लिक करते हैं तो 1 शेप आया, दोबारा यहां पर क्लिक करेंगे तो अगला शेप आया, अगर हम लोग तीसरे बार फिर क्लिक करेंगे तो तीसरा शेप आ जाएगा, है ना? दोबारा से इसको हटाना है तो फिर से रिडू नहीं बल्कि ये अंडू करेंगे, फिर से अंडू करेंगे और फिर से अंडू करेंगे। अब यही चीजों को शॉर्टकट की से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल वाई दबाओगे, क्या दबाओगे? कंट्रोल वाई। अगर आप कंट्रोल वाई दबाओगे तो एक एक स्टेप आप आगे जाओगे, और अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल जेड दबाओगे तो आप एक एक स्टेप बैक आओगे, है ना? प्रीवियस में आओगे। जैसे देखो कंट्रोल वाई दबाया, कंट्रोल वाई दबाया और कंट्रोल वाई दबाया, अब बैक आना है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो आई होप कि आपको वो सभी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। और ये जो ऑप्शन है ये वाला, ये सेव करने का ऑप्शन है, सेव द करंट पिक्चर, यानी वही वाला आप कहां गए थे पहले, फाइल में गए थे और सेव में गए थे और अपने प्रोजेक्ट वर्क को सेव किया था, तो वही वाला ऑप्शन है। आप या तो यहां पे जाओ और यहां सेव पर क्लिक करो
है ना, या फिर आप यहां पे क्लिक करो, सेम है। मैं दिखाऊं जांच करके, मैं दिखाता हूं, देखो मैं जाऊंगा फाइल में, जाऊंगा सेव में, तो वही आएगा ऑप्शन सेव करने का। मैं जाऊंगा यहां पे, यहां पे, तो वही ऑप्शन आएगा सेव करने का। या कीबोर्ड में कंट्रोल एस दबाओ, क्या दबाओ, कंट्रोल एस, यानी मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, कंट्रोल एस, तो वही होगा। कीबोर्ड में जब कंट्रोल एस दबाओगे तो यही खुल कर आएगा, यानी तीनों का मतलब यह सेव करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ऊपर में ये जो लॉगो है ना, ये पेंट का लॉगो है, पेंट, किसका लॉगो है, पेंट। क्लिक हेयर टू ओपन सेव और प्रिंट एंड टू सी एवरीथिंग एल्स यू कैन डू विथ योर पिक्चर। यानी ये कह रहा है कि देखो अगर आप यहां पे क्लिक करोगे, देखो तो सबसे पहले ये जब आप यहां पे क्लिक करते हो, यहां पे क्लिक करोगे तो ये खुलेगा फाइल में, लेकिन अगर आप पेंट वाले सेक्शन पे क्लिक अगर आप करोगे तो रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन है। आप मूव कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, ये सारा मैंने पहले बता दिया। और जो बचा हुआ होगा वो कब समझ में आएगा, जब हम कोई सेव को लेंगे और मूव करके दिखाएंगे, सारा चीज बताएंगे। डीसीए का मास्टर कोर्स कर रहे आप, तो मैं आपको मास्टर लेवल तक सिखा रहा हूं, एक भी ऑप्शन मैं नहीं छोड़ने वाला हूं टोटल, क्योंकि फंडामेंटल्स आप पढ़ रहे थे तो उतना एडवांस तो था नहीं। फंडामेंटल्स ना तो पढ़ने में मन लगता है और ना उतना पढ़ाने में मन लगता है, लेकिन अब आपका जो वीडियो है वो प्रैक्टिकल आ रहा है, तो प्रैक्टिकल में तो भाई मजा आएगा ही और एडवांस तक आप जाओगे ही, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखोगे ना, इस साइड में देखो, मैं दिखाता हूं, देखो ये वाला देखो पट्टा है ना, और ये देखो नीचे में पट्टा क्या है, एक राइट साइड में है और एक डाउन में है, है ना, एक राइट साइड में है और एक डाउन में है। इसको कहते क्या है, हम क्या करते हैं, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इसको ऊपर नीचे करते हैं, है ना, मैं दिखाता हूं, थोड़ा जूम करता हूं, देखो देखो हम ऊपर नीचे करते हैं, है ना। अच्छा ये जो नीचे है इसको देखिए ऐसे करते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, देखो ये जो राइट साइड में है उसको कहते हैं, आपने सुना होगा ये चीजें, वर्टिकल, वर्टिकल, और एक आपने सुना होगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। देखो भैया, तो जो ऊपर से नीचे खड़ा है, अगर कोई लकड़ी, कोई स्तंभ मतलब है खड़ा हुआ ऊपर सीधा स्ट्रेट में सीधा, तो उसको कहते हैं वर्टिकल, और ये जो नीचे में होता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो देखो ये जो ऐसे ऐसे आप कर रहे हो, ये स्क्रॉलिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, और ये जो नीचे में है इसको भी आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, ये भी स्क्रॉलिंग है, लेकिन ये वर्टिकल स्क्रॉलिंग बार है और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार है। आप इससे स्क्रॉल कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा पेज बड़ा हो जाता है, हमारा पेज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, हमारे पेज के अंदर बहुत बड़े मैटर बन जाते हैं, तो ऐसे में एक बार में देखना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग एवं वर्टिकल स्क्रॉलिंग का यूज करते हैं। हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का इस्तेमाल करके ये चीजें कर सकते हैं, आप देख रहे हो ना। हाँ, तो जब आपको यूज करना होगा आप इसको यूज कर सकते हो। और कोई ऑप्शन बचा हुआ है, बचा हुआ है, देखो फाइल मेन्यू इसको कहते हैं, होम मेन्यू कहते हैं, व्यू मेन्यू कहते हैं, ये सब मेन्यू है। अच्छा, अगर आप होम मेन्यू के अंदर जाते हैं तो क्या शो करता है, क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स, है ना जी, कलर्स, ये सभी। तो देखो ये मेनू हो गया, और मेनू के अंदर ये सभी ग्रुप होते हैं, जैसे देखो यहां से ये आपका कौन ग्रुप हो गया, क्लिपबोर्ड ग्रुप, इमेज ग्रुप, टूल्स ग्रुप, शेप ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर इतने सारे ऑप्शन है, इस ग्रुप के अंदर इतने सारे ऑप्शन है,
उसी तरह से क्लिपबोर्ड के अंदर इतने सारे ऑप्शन है, शेप्स के अंदर इतने सारे ऑप्शन है, यानी हम लोग बारी बारी से सारे ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइल मेन्यू को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग होम मेन्यू को पढ़ेंगे और उसके बाद व्यू को, तब हमारा एमएस पेंट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नोटपैड शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ड पैड शुरू करेंगे और 6 दिसंबर से हम लोग क्या शुरू करेंगे, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सीखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखेंगे, है ना, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को सीखेंगे। और जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्लास चलेगा तो उसी बीच हम लोग इंटरनेट की क्लास भी करेंगे, है ना जी, क्योंकि थोड़ा मोड़ा एडवांस भी जानना जरूरी है, वरना आपको मन नहीं लगेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ू मैं, अब हम लोग फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो बाकी का जो ऑप्शन बचेगा वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, अगली क्लास में हम लोग इसे कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आप यहां पे देखो एक न्यू का ऑप्शन है, ओपन का, सेव का, न्यू। न्यू में क्या कह रहे हैं आप ध्यान से पढ़ो, जब आप यहां पे छोड़ोगे ना माउस तो शो करेगा, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एन होता है, क्रिएट अ न्यू पिक्चर। जैसे देखो अभी आप यहां पे कुछ कर रहे थे, मान लो आपने इसको ऐसे किया, है ना, आपने कोई ड्राइंग किया, ऐसे वैसे किया, अच्छा अब आप चाहते हैं कि हमारे पास एक नया पेज खुल कर आए, मतलब एक न्यू हो जाए, ये हट जाए और एक नया सा नया पेज यहां पे आ जाए। तो फाइल में जाओगे, न्यू पर क्लिक करोगे तो वही वाला ऑप्शन शो करेगा, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू हंड्रेड, मतलब देखो आप नया पेज लाना चाहते हो, बात सही है, लेकिन पहले आप जो काम कर रहे थे उसको हटाना है, आपको सेव करके नया पेज लाना है, बिना सेव किए हुए लाना है या कैंसिल करना है, आपकी मर्जी। तो मुझे इसको नहीं सेव करना है, नहीं सेव करना है तो आप डाउन सेव कर दो, देखो सेव भी नहीं हुआ और नया पेज आ गया। अगर आप उस वक्त सेव वाले पे क्लिक करते तो पहले सेव होता उसके बाद नया पेज खुलता, लेकिन आपने डाउन सेव पर क्लिक किया तो सेव नहीं हुआ तब नया पेज खोला, बिना मतलब बिना सेव किए हुए नया पेज खोलना है ना। आप कीबोर्ड में कंट्रोल एन दबा करके भी नया पेज को ला सकते हो, जैसे देखो मान लो आप इसको लाते हो, इस पर क्लिक करके आप इसको लाते हो और आप नया पेज खोलना चाहते हो तो कीबोर्ड में कंट्रोल एन दबाओ, और अगर आपको नहीं सेव कर डाउन सेव पर क्लिक करो नया पेज खुलकर आ जाएगा, है ना। चलिए आगे है आपके पास ओपन, ओपन ओपन एन एग्जिटिंग फाइल पिक्चर्स, देखो शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होता है, आप सारे शॉर्टकट कीज को आप याद कर लीजिए, टेस्ट में मैं आपसे पूछूंगा, टेस्ट में मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान देना थोड़ा सा। चलिए देखिए, हां अगर आप कोई भी फाइल को एमएस पेंट में बनाते हैं और अगर आप उसको फिर से एमएस पेंट में लाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो आप ओपन पर क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप एमएस पेंट में कोई भी पिक्चर को, इमेज को अगर आप खोलकर इसमें लाना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप ओपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखो अब मान लो कि मेरे को फोटो लाना है, तो फोटो लाना है तो कहां पे जाऊंगा मैं चलो मैं इस फोटोज को यहां पे ला देता हूं। देखो ये मेरा जो फोटो है, देखो आ गया ना। तो किसके जरिए हम लाइए, हमने लाया फाइल में जाने के बाद ओपन में, हम जितना चाहे उतना फोटोज को यहां पे ला सकते हैं, है ना, ठीक है ना। अच्छा और है ओपन में जाने के बाद, जैसे ही देखो जब आप फाइल पे क्लिक करोगे, देखो ध्यान से, जब आप फाइल पे क्लिक करोगे
तो यहां पे कुछ शो कर रहा है रिसेंट पिक्चर्स, यानी रिसेंट में आपने जो पिक्चर को एमएस पेंट में ओपन किया था, या आपने जो रिसेंट में एमएस पेंट के अंदर जो बनाया था वो फाइल आपको शो करेगा। आप दोबारा अगर उसमें कुछ करना चाहते हैं, कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो पहले वाला भी ओपन हो जाएगा, और जो और ऐड करना चाहते हो वो आपको दोबारा से यहां पे आप ऐड कर सकते हो, राइट। आगे देखो, तो ये हो गया ओपन, जहां से इमेज ओपन कर सकते हो, या अगर आपने पहले से एमएस पेंट के अंदर कोई फाइल बना के सेव किया हुआ है तो आप उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है सेव का ऑप्शन। सेव मैंने तो बता दिया था, अगर आप चाहते हो कोई भी प्रोजेक्ट वर्क को या जो आप काम कर रहे हो उसको अगर आप सेव करना चाहते हो तो आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर सकते हो, या कीबोर्ड में कंट्रोल एस दबा करके डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट को आप सेव कर सकते हो। आगे है वो है सेव एज। सबसे ज्यादा जो समझने वाली बात है वो है सेव एज, क्योंकि देखो सेव एज का लॉगो और सेव का लॉगो, सेव एज और सेव का लॉगो लगभग सेम है, और दोनों का काम भी लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। सेव का मतलब भी आप सेव करोगे, सेव एज का मतलब भी सेव करोगे। मैं दोनों में डिफरेंट बताता हूं। सेव का मतलब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव कर रहे हो, आप किसी भी प्रोजेक्ट वर्क को पहली बार सेव कर रहे हो, लेकिन सेव एज का मतलब, सेव एज, एज का मतलब होता है उसी तरह से, एज का मतलब उसी के जैसा, यानी सेव एज मतलब सेव की तरह ही काम करेगा, यानी सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को दोबारा से सेव करने के लिए सेव एज का यूज करते हैं। जैसे अभी आप ध्यान से देखो, ये वाला जो हमारा फाइल है जिसको मैंने अभी ओपन किया हुआ है, ये पहले से सेव है, देखो डीके वर्मा के नाम से सेव है। अगर हम दोबारा फाइल में जाकर के सेव करना चाहे तो सेव नहीं होगा। हां अगर आप इसमें कुछ और काम करेंगे, अगर तब जाएंगे यहां पे, तब क्या होगा, ये वाला जो पिक्चर था वो सेव हो जाएगा, लेकिन दोबारा से किसी और नाम से सेव नहीं होगा, क्योंकि सेव एज का मतलब होता है सेव किए गए फाइल को, सेव किए गए प्रोजेक्ट वर्क को दोबारा से दूसरे नाम से सेव करना। देखो फाइल में जाऊंगा, सेव एज में जाऊंगा, देखो दोबारा से शो करे ना कि भाई आप दोबारा से इसको सेव कर सकते हो। अब किस तरह से सेव करना चाहते हो, किस टाइप में, पीएनजी में, जेपीजी में, बीएमपी में, जीआईएफ में, किस में, आपको जो अच्छा लगता है कि जेपीजी में करेंगे तो विथ गुड क्वालिटी होगा, पीएनजी में करेंगे तो ये क्वालिटी होगा, आप करके, या फिर नहीं भी करोगे तो ये ऑटोमेटिक सेव ले लेगा, है ना जी। तो सेव एज का मतलब वही हुआ कि सेव किए गए फाइल को दोबारा से किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज का यूज किया जाता है, राइट। आगे बढ़ो, आगे पेंट है ना, देखो आगे पेंट है, प्रिंट द करेंट पिक्चर। अभी जो करेंट में जो पिक्चर दिखाया जा रहा है आपके स्क्रीन पर, अगर आप इसको प्रिंटर के माध्यम से अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो आप इसे आसानी से प्रिंट कर सकते हो। इसके लिए फाइल में जाओ, प्रिंट पे क्लिक करो, देखो यहां पे कह रहा है सिलेक्ट प्रिंटर, यानी आप कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं पहले वो इसको बताइए, कि आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट यूज करते हैं, वन नोट का प्रिंटर यूज करते हैं, कैनन का यूज करते हैं,
एचपी का यूज करते हैं, आप कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं, पहले आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने, देखो भैया प्रिंट हो गया, तो पहले आपको प्रिंट पे क्लिक करना है और प्रिंटर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कितने पेज को करना है, मान लो आप चाहते हो कि 10 कॉपी प्रिंट हो, आप चाहते हो कि 20 कॉपी प्रिंट हो, 50 कॉपी प्रिंट हो, तो आप नंबर ऑफ कॉपीज में बढ़ा सकते हो। अगर आप 5 करोगे तो 5 पेज निकल कर आएगा। अच्छा, प्रिफरेंसेस फाइन प्रिंटर, दो ऑप्शन प्रिफरेंसेस देखो भैया, और एक फाइन प्रिंटर, दोनों में अंदर देखो। अगर आप प्रिफरेंस पे क्लिक करोगे तो यहां पे पेज का सेटअप खुलेगा, ठीक है ना, पेज का सेटअप खुलेगा। ये अभी लैंडस्केप मोड में है। अगर आपको इस तरह का पेज दिखाई दे, यानी ऐसे ऐसे मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं दिखा रहा हूं, आप टेंशन मत लो, अगर आपको ऐसे दिखाई दे तो इसको कहते हैं लैंडस्केप मोड, और अगर ऐसे दिखाई दे इसको कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। तो अभी आपका लैंडस्केप मोड है, अगर आप चाहते हो कि पोर्ट्रेट में हो जाए तो पोर्ट्रेट कर सकते हो, लैंडस्केप कर सकते हो। हाँ, एडवांस चाहते हो तो एडवांस पे क्लिक करो। अगर आपको पेपर की साइज चूज करना है, क्योंकि देखो हमारा जो प्रिंटर होता है उसकी साइज अलग अलग होती है, क्योंकि प्रिंटर जो होता है वो एक निश्चित साइज को प्रिंट करता है। मान लो आप एचपी का 1005 वाला मॉडल से प्रिंट कर रहे हो तो उसकी साइज क्या होती है, आप उसमें A4 प्रिंट कर सकते हो, A3 प्रिंट कर सकते हो, और इन वाला प्रिंट कर सकते हो। आप उसमें A3 तो प्रिंट ही नहीं कर सकते हो, तो आप प्रिंटर को देख लीजिए और यहां से साइज को आप मान लीजिए A4 कर लो, ओके कर लो, और इसके बाद ओके कर दो और फिर ओके कर दो, आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आगे फाइल के अंदर है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, यानी जब आपका कैमरा लगा हुआ रहेगा, अभी लगा हुआ नहीं है, कैमरा लगा हुआ रहेगा तो आप उस डायरेक्ट कैमरे से वो इमेज को स्कैन कर सकते हो और इसमें इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है ना जी, सेंड ईमेल, इसके जरिए जो आप बनाते हो, देखो क्या लिखा हुआ, सेंड अ कॉपी ऑफ द पिक्चर इन एन ईमेल मैसेज एज एन अटैचमेंट, यानी इस फाइल को, इस इमेज को आप अटैचमेंट कर सकते हो अपने ईमेल पर, यानी कि आप ईमेल के माध्यम से आप इसको भेज सकते हो दूसरे के पास आउटलुक के माध्यम से। इसके लिए आपको आउटलुक में यहां पे अकाउंट बनाना होगा, यहां पे गेट असेटर पे क्लिक करोगे और इस पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का खुलेगा, तो यहां से ये देखो ये खुल गया ना, देखो अब यहां से ये बनेगा, अब वहां से भेज सकते हो। ठीक है, बस सिंपल कर लेना है चीजें। आगे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी ये जो आपने ड्राइंग किया है, ये जो आपने घोड़े हाथी को बनाया है, अगर आप इस इमेज को अपने इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर बैकग्राउंड के रूप में लगाना चाहते हैं तो आप फाइल में जाइए, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए, ओके, देखो आ गया ना। तो यही है जो आप लाओगे, और अगर आप दोबारा से करोगे, ओके हो गया ना, इसको मैं हटा देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है, राइट क्लिक पर्सनलाइज, देन ये पिक्चर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल जेड दबाओ, जैसे ही कीबोर्ड में कंट्रोल जेड दबाओगे आप बैक आ जाओगे। ठीक है ना, देखो फिर से फाइल में जाओ, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो, इसका शॉर्टकट कीज कंट्रोल ई होता है, जैसे ही कीबोर्ड में कंट्रोल ई दबाओगे तो आपका प्रॉपर्टीज खुल जाएगा। देखो ये क्या कहते हैं, ये कहता है कि आपका साइज इतना है, रेजुलेशन इतना है, लास्ट सेव आपने कब किया था, लास्ट सेव हमने 3:06 पे किया था। अच्छा, आप जो यूनिट चाहते हो, यूनिट अभी पिक्सल में है ना, देखो नीचे क्या था,
पीएक्स साइज कितना है 81 पॉइंट इतना पिक्सल है ना, वही चीज मैंने पहले बताया था ना कि बाद में बताऊंगा, देखो वही चीज है। अगर आप कंट्रोल ई दबाओगे तो प्रॉपर्टीज खुलेगा। देखो आपका जो यहाँ पे विड्थ है 1360, देखो यहाँ पे है नीचे 1360, अच्छा हाइट क्या है इमेज का 573, देखो 573 है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा यूनिट अभी क्या शो कर रहा है पीएक्स पिक्सल, इंच कर दो, आईएन में हो गया ना, आईएन में हो गया ना इंच। अच्छा फिर कंट्रोल की दबाओ सेंटीमीटर कर दो, देखो सीएम लिखा हुआ आ गया ना, तो यही होता है ना। अच्छा कलर, अभी कलर से कलरफुल ब्लैक एंड व्हाइट करोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, देखो ऊपर में देखो ध्यान से सारा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया देखो, है ना। तो दोबारा से कंट्रोल ई दबा कलर कर दो, ठीक है ना, कंट्रोल ई दबा और क्या है, और कुछ नहीं है, बस खत्म हो गया। फाइल में जाओ, अबाउट पेंट यानी पेंट के बारे में पढ़ो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 2004 ओएस बिल्ड इतना इतना। वर्जन क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि वर्जन क्या होता है। जब हम अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करते हैं, मुझे लगता है कि भैया इसमें कुछ और ऑप्शन ऐड कर देना चाहिए, तो जब कंपनी कुछ उसमें और ऐड कर देता है तो उसको एक नया नाम देता है कि भैया वर्जन नेम 3.5, फिर कुछ और ऐड करेगा 3.6, फिर कुछ और करेगा 3.7, 3.8, 3.9, ऐसे कर करके जैसे जैसे सॉफ्टवेयर में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे वर्जन का नाम होता है। देखो हमारा विंडो 10 प्रो है, ठीक है ना, देखो द विंडोज 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स यूजर इंटरफेस आर प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क एंड अदर पेंडिंग और एग्जिटिंग, ठीक है ना। तो देखो ये सारा चीज आपको शो कर रहा है आपके विंडोज 10 के बारे में, ये प्रोटेक्ट है, ये शो कर रहा है दिस प्रोडक्ट इज लाइसेंस्ड अंडर द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म, ये पेंट के बारे में शो कर दिया, ठीक है ना जी। चलिए आगे है एग्जिट, जब आप यहां पे क्लिक करोगे तो आप इस पेंट से एग्जिट हो सकते हो, बाहर जा सकते हो, सेव करके बाहर जाना चाहते हो कि बिना सेव करके, तो बिना सेव करोगे तो बाहर आ जाओगे। तो आज आपने पूरा इंट्रोडक्शन देखा और फाइल मेन्यू देखा, कल हम लोग होम मेन्यू पढ़ेंगे और व्यू मेन्यू पढ़ेंगे। लगभग मेरे हिसाब से कल माइक्रोसॉफ्ट पेंट खत्म हो जाएगा और चौथे परसों हम लोग नोटपैड खत्म कर देंगे और दो दिन में हम लोग वर्डपैड खत्म कर देंगे। इस वीडियो में हम लोग जनरल से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे। कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि एडवांस होते हैं और कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो किसी दूसरे ऑप्शन पर डिपेंड होते हैं। जैसे मान लो अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं ना जिसको आप यूज करना चाहोगे तो वो यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो ऑप्शन होता है, वो जो टूल होता है, वो किसी दूसरे टूल पर निर्भर करता है, निर्भर होता है। तो वही चीजें आज की क्लास में होगा। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा मास्टर लेवल, ठीक है। जितने भी एडवांस ऑप्शन होते हैं उसे मैंने क्लियर किया है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और उसके बाद आप देखना कि मैं जनरल से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा और ए टू जेड आपको ऑप्शन बताऊंगा। तो सब कुछ समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस को बताता हूं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो चलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पेंट को ओपन कर लेते हैं और मास्टर लेवल का स्टडी हम लोग करते हैं। तो मैं यहां से विंडोज आर दबाऊंगा और एमएस पेंट लिखूंगा, है ना, और इंटर कर दूंगा। देखिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया था फाइल के अंदर सारे ऑप्शन, आज हम लोग होम टैब पढ़ेंगे, अगर हो सके तो हम लोग व्यू टैब भी पढ़ने की कोशिश करेंगे।
अगर आज नहीं कंप्लीट होता है तो कल हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर पेस्ट, कट और कॉपी का ऑप्शन है। तो हम लोग कट का इस्तेमाल करते हैं, कॉपी का इस्तेमाल करते हैं और फिर पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ओके। अच्छा देखिए, हम लोग पेस्ट का इस्तेमाल बिना कट या कॉपी के नहीं कर सकते हैं। अगर हमें पेस्ट का इस्तेमाल करना है तो हमें पहले कट करना होगा या हम लोगों को कॉपी करना होगा, तभी हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, कट करने से पहले, कॉपी करने से पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, यानी कट और कॉपी का इस्तेमाल हम लोग बिना सेलेक्ट के नहीं कर सकते हैं और पेस्ट का इस्तेमाल बिना कट या कॉपी के हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से मैं कोई एक शेप को ड्राइंग करता हूं, राइट। मान लो कि हमने इस शेप को यहां पे ड्राइंग किया, ठीक है ना। चलिए अब मान लो इसको कॉपी करना है, मान लो इसको आपको कॉपी करना है, तो कॉपी तो ऐसे नहीं कर सकते हो आप। जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप कॉपी नहीं कर पाओगे, ना कट कर पाओगे, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो बिना सेलेक्ट के ना कॉपी होगा, ना पेस्ट होगा और ना कट होगा। अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है कि बिना सेलेक्ट के हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, हम पेस्ट नहीं कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते हैं। मैं समझाता हूं। जैसे मान लो आपने एक शेप को ड्राइंग किया, उसके बाद मान लो आपने एक और शेप को ड्राइंग किया, और उसके बाद आपने एक और शेप को ड्राइंग किया, राइट। आपने तीन शेप को ड्राइंग किया, तो उसको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि आखिर आप कौन से शेप को कॉपी करना चाहते हैं, कौन से शेप को कट करना चाहते हैं, कितने एरिया को आप कट करना चाहते हैं, कितने एरिया को आप कॉपी करना चाहते हैं। तो एरिया को दिखाने के लिए हम लोगों को पहले सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि जब आप उसको ये नहीं बताओगे कि भैया इतने दूर कट हो जाएगा, इतने दूर को कॉपी करना है, मतलब सबसे पहले उसको ये बताना होगा कि भाई आपको कितने दूर वाले मतलब कि शेप को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल्स देखो, सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहां पे है। अब जैसे ही यहां पे नीचे ये जो एरो है ड्रॉप डाउन, अगर आप यहां पे क्लिक करोगे तो सेलेक्ट करने के कई सारे तरीके आपको दिखेंगे। ऊपर में जो सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है ना, वो कॉमन नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते हैं तो आपके पास रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन, ये सेलेक्ट करने के तरीके दिए गए हैं। तो हम लोग बारी बारी से सारे तरीकों को पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों को पहले कट, कॉपी और पेस्ट समझना है। तो देखो सबसे पहले यहां पे जाकर के क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब सेलेक्ट हो गया, जैसे ही आप सेलेक्ट कर देंगे तब यहां पे हाईलाइट हो जाएगा। देखो ये कट वाला हाईलाइट हो चुका है और कॉपी वाला भी हाईलाइट हो चुका है। अगर मान लो कि ये वाले एरिया को कट कर देना है, यानी यहां से हटा देना है, और कहां पर ले जाकर रखना है, तो मुझे इस साइड में, राइट साइड में ले जाकर के उसको रखना है। तो आप तो एक इसको खींच के भी यहां ले जाकर रख सकते हो, ये सिंपल है, लेकिन नहीं, कट जब करोगे तो वहां से वो कट जाएगा और जितने बार आप पेस्ट करोगे उतने बार ये डुप्लीकेट होता जाएगा। तो मैंने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग कट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही हम लोगों ने इसको कट किया तो ये क्या हो गया, वहां से हट गया है। अब जितने बार हम लोग पेस्ट पर क्लिक करेंगे उतना यहां से, यह देखो एक पेस्ट किए, फिर से पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो एक और आएगा, फिर से पेस्ट पर करेंगे तो एक और आएगा, ठीक है ना जी। आप समझ रहे हो कि जब हमने कट किया तो पेस्ट भी यहां पे यूज हो जा रहा है। उसी तरह से अगर आप कॉपी करोगे तो आप पेस्ट का यूज करोगे, लेकिन कट और कॉपी में यही फर्क है।
अगर आप कट करोगे तो वो एरिया कट जाएगा, और अगर आप कॉपी करोगे तो वो एरिया वही के वही रह जाएगा, है ना जी। तो यही होता है कॉपी मतलब डुप्लीकेट, आप करोगे उसको पहले वाला पहले ओरिजिनल रह जाएगा और दूसरा डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं समझाता हूं आपको, जैसे देखो हाँ, इसको समझने से पहले हम लोगों को यह समझना है कि जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, है ना, जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कट या कॉपी करते हैं, आप कुछ भी ले लो, कट करो या कॉपी करो, आपको तो पेस्ट करना ही है। तो मान लो हमने इसको कॉपी किया, उसके बाद हमने इसको पेस्ट किया, तो जब इस पे यहां पे जा रहा है तो ये यहां से छिप जा रहा है। देखो जैसे जैसे मैं इसके नजदीक लेकर जाता हूं वैसे वैसे ये जो सेप है पीछे वाला जो सेप है वो ढक जाता है, देखो है ना, क्यों हो रहा है। फिर से अगर आप पेस्ट करोगे तो फिर से ये छिप जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्या नहीं है, ये अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इस वजह से जब हम इस शेप को जब यहां पे इसके नजदीक ले जा रहे हैं तो ये छिप जा रहा है। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए हमें ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट के ड्रॉप डाउन, यहां पे एरो है यहां पे क्लिक कीजिए और यहां एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, तो आप क्या कीजिए ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब जब आप यहां पे लेकर जाओगे तो ये ऐसा नहीं होगा, देखो दोबारा से पेस्ट करोगे तो देखो ये ऐसा नहीं हो रहा है, दोबारा से पेस्ट करो। अब जिसके नजदीक ले जाना है आप उसके नजदीक ले जा सकते हो, ये दोबारा वो प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा, है ना। पहले क्या होता था, पहले जो था वो ये छिप जाता था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, अब ये नहीं छिप रहा है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको डिलीट करता हूं, तो मैं सिलेक्ट वाले पे ऑप्शन पे जाऊंगा और वहां पे क्लिक करूंगा और इतने एरिया को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड में डिलीट वाली बटन को दबा दूंगा, तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा, है ना। अब मान लो कि आप इसको सिलेक्ट करोगे और डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, अगर आप इतने को सिलेक्ट करोगे तो डिलीट करोगे ये हो जाएगा, यानी आप जितने एरिया को सेलेक्ट करोगे और उसके बाद अगर आप डिलीट बटन दबाओगे तो उतने ही एरिया आपका डिलीट होगा। लेकिन अगर मान लो आपको पूरे एरिया को डिलीट करना है तो इसके लिए क्या करोगे, सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहां से सेलेक्ट ऑल वाला जो है आप उसको चूज कर सकते हो। अब मान लो कि बार बार आप वहां जाओगे उसके बाद आप सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करोगे, इससे बढ़िया है कि आप कंट्रोल ए दबा दो, है ना, कीबोर्ड में कंट्रोल ए दबा दो, जैसे ही कंट्रोल ए दबाओगे तो आपका पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। आप ध्यान से देखो ऊपर ऊपर में एक सेलेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, जब सेलेक्ट होता है तो ऊपर में कुछ एरिया शो करता है, देखो ऐसे, है ना। अब आप डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, है ना, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट और देन डिलीट। तो आपने यही सीखा कि अगर मान लो कोई शेप है उसके बाद अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं तभी हम कट या कॉपी करते हैं, और बिना कट या कॉपी के हम लोग पेस्ट नहीं करते हैं। कट करोगे तो ये हट जाएगा, पेस्ट करोगे तो आ जाएगा, फिर से पेस्ट करोगे तो आ जाएगा, फिर से पेस्ट करोगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो इसको सेलेक्ट करते हो और कट ना करके कॉपी करोगे तो ये वहीं के वहीं रह जाएगा, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, जैसा था वैसा रहेगा, और अगर फिर से पेस्ट करोगे तो ये डुप्लीकेट होकर फिर से आएगा, है ना। कट से हट जाता है, कॉपी से हटता नहीं है। अब इसके बाद थोड़ा सा देखना, सेलेक्ट में जब जाओगे तो आपके पास 6 ऑप्शन दिखेंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है रिक्टेंगुलर सिलेक्शन, दूसरा जो ऑप्शन है वो है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, इन्वर्ट सिलेक्शन, डिलीट और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग सारे ऑप्शन के बारे में प्रैक्टिकल जानेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है रिक्टेंगुलर सिलेक्शन, जो कि बाय डिफॉल्ट ये सेट होता है।
जब मान लो कोई शेप आप ड्रा करते हो और उसके बाद यहां पे जाते हो सिलेक्ट पर और क्लिक करते हो और इसको जब सेलेक्ट करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट पहला वाला होता है, ठीक है। अगर आपको रेक्टेंगुलर में किसी भी शेप को, किसी भी एरिया को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। इससे रेक्टेंगुलर सेलेक्ट होता है, देखो है ना, रेक्टेंगल में सेलेक्ट होता है। ओके चलिए आगे, अगला जो ऑप्शन है वो है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्या होता है, ये फ्री होता है। फ्री का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो आपने ये वाला शेप ड्रा किया, ये वाला शेप ड्रा किया, ये वाला ड्रा किया, आपने इसको ड्रा किया है ना। हां एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो हो सकता है आपको भी ये प्रॉब्लम करेगा, आपको भी समस्या में डाल देगा। कभी कभी क्या होता है जब हम कोई भी शेप को ड्रा करते हैं तो ड्रा नहीं होता है बल्कि ऐसा लगता है कि वो सेलेक्ट हो रहा है। जैसे देखो जब आप सेलेक्ट वाले पे क्लिक करते हैं और कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई भी शेप को यहां ड्रा करते हैं तो ड्रा नहीं होता है बल्कि कुछ और होता है। कैसे मैं बताता हूं, देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो कलर है वो वाइट रहता है। क्या है कलर, देखो वाइट कर दिया हमने। अब जब हम कुछ भी करेंगे तो देखो कोई भी शेप ड्रा करेंगे तो देखो है ना, देखो एक सिर्फ सिलेक्ट वाला दिख रहा है तो कलर वाइट होता होगा, इसी वजह से ऐसा होता होगा, ठीक है। हम लोग सभी ऑप्शन के बारे में जानेंगे, कलर वन क्या होता है, कलर टू का यूज कब होता है, आउटलाइन का इस्तेमाल, फिल का इस्तेमाल है ना, सारे ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो हम इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है अब हो गया। हाँ तो हम जान रहे थे कि फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या होता है। तो मान लो कि आपने इतने सारे शेप को ड्रा किया, अब आपको किसी भी प्रॉपर शेप को सेलेक्ट करना है, किसी भी प्रॉपर शेप को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप जाओगे सेलेक्ट वाले ऑप्शन में और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करोगे। तो जब भैया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो जब सेलेक्ट होगा तो रेक्टेंगुलर में होगा ही ना, लेकिन अगर आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन करोगे तो आपको पेंसिल की तरह सेलेक्ट करोगे, यानी कि देखो ऐसे जहां मन वहां ऐसे करके इसको आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो इतना इसको सेलेक्ट करना है तो अगर रेक्टेंगुलर होगा, अगर आप रेक्टेंगल में सेलेक्ट करोगे तो ये वाला भी आ जाएगा ना। देखो मैं रेक्टेंगुलर करता हूं और मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूं, देखो देखो अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, देखो वो कर जा रहा है। मान लो अगर आपको आपको एग्जांपल में बहुत सारे शेप हैं और मान लो आपको सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है तो अगर आप रेक्टेंगुलर में करोगे तो हो सकता है बगल वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा तो वो कट जाएगा ना। तो इसीलिए ये दिया जाता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, ताकि आप इसको ऐसे करके एकदम अंदर जा करके एकदम जितना जरूरत है उतना ही आप इसको ऐसे करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो और आपको इसी को खींच सकते हो, ठीक है ना। तो ये फ्री फॉर्म है, मतलब ये फ्री है, आपको जहां जहां जाकर के इसको सेलेक्ट करना है उतने को सेलेक्ट करो और इसको खींचो, ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, अगला है सेलेक्ट ऑल। मैंने तो इसके बारे में बता दिया था कि जब आप सेलेक्ट ऑल करोगे तो आपका पूरा जो ये पेज है वो सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ मजेदार वाला जो ऑप्शन है वो है इनवर्ट सिलेक्शन, ठीक है ना। क्या है इनवर्ट सिलेक्शन? अच्छा इनवर्ट सिलेक्शन क्या होता है मैं बताता हूं, उल्टा, उल्टा सिलेक्शन, रिवर्स, क्या होता है रिवर्स, अब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो मान लो आपको ये वाले शेप को डिलीट करना है, मान लो आपको ये वाले शेप को डिलीट करना है या ये वाला को डिलीट करना है ना, तो क्या करते हो आप सेलेक्ट वाले पे जाते हो और इसको सेलेक्ट करते हो और कीबोर्ड में डिलीट वाले बटन को दबा देते हो, ठीक है।
अच्छा, इसको सिलेक्ट करते हो और कीबोर्ड में डिलीट वाली बटन को दबा करके इसको डिलीट कर देते हो, यानी कि जो आपको डिलीट करना है उसको आप सिलेक्ट करते हो और आप उसको डिलीट कर देते हो, राइट। आपको यहां समझ में आ रहा होगा, लेकिन मान लो आपको केवल केवल आपको ये वाला रखना है ना, केवल आपको यही वाला सेप को रखना है और बाकी के जितने भी सेप यहां पे हैं, बाकी के जितने भी ड्राइंग है वो आपको डिलीट कर देना है। जैसे मैं क्या करता हूं, पहले पूरा डिलीट कर देता हूं आपको समझाने के लिए। हमने इसको ड्रा किया और हमने इसको ड्रा किया, उसी तरह से मैंने ऐसे ड्रा किया, एक और ड्रा किया, है ना। चलो देखो, अब मान लो कि आपको सिर्फ इसको रखना है, ये वाला जो सेफ है सिर्फ इसको रखना है, इसको डिलीट कर देना है, इसको भी डिलीट कर देना है, इसको भी डिलीट कर देना है। तो आप क्या करोगे, आप इसको सेलेक्ट करोगे, डिलीट करोगे, सेलेक्ट करोगे, डिलीट करोगे, सेलेक्ट करोगे, डिलीट, मतलब कि ऐसे करके आप इसको डिलीट करोगे, है ना, ये डिलीट हो गया, तो फाइनली आपका ये वाला बच गया। लेकिन ये कोई अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन ये जो मेथड है आपका इनवर्ट सिलेक्शन, ये उल्टा है, यानी जो आप सेलेक्ट करोगे वो डिलीट नहीं होगा। फिर से समझो, जो आप सेलेक्ट करोगे वो डिलीट नहीं होगा, बल्कि जो नहीं सेलेक्ट करोगे वो डिलीट हो जाएगा। जैसे देखो, मान लो आपके पास इतना सारा डिजाइन है, इतना सारा सेप है, अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना, इसको सेलेक्ट करोगे और अगर आप जाओगे इनवर्ट सिलेक्शन में, क्लिक कर दिया आपने, अब जैसे ही आप डिलीट करोगे तो जो सेलेक्ट किया था आपने वो डिलीट नहीं हुआ है और जो सिलेक्ट नहीं किया था वो डिलीट हो गया है। अब मान लो आप ये वाले को सिलेक्ट करते हो, आपने इसको सिलेक्ट किया, अब आप जाते हो इनवर्ट सिलेक्शन में, इस पर आप क्लिक करते हो और जैसे ही आप डिलीट करते हो तो जो आपने सिलेक्ट किया था वो डिलीट नहीं होगा, बल्कि जो आपने सिलेक्ट नहीं किया था वो डिलीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे का जो ऑप्शन है वो हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने कहां तक पढ़ा, लगभग ये पढ़ लिया, सेलेक्ट ऑल पढ़ लिया, इनवर्ट सिलेक्शन पढ़ लिया, डिलीट, डिलीट तो आप जानते हैं कि कोई भी सेफ है इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट वाले ऑप्शन पर जाकर के इसको डिलीट कर देंगे, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इसके बारे में मैंने बताया दिया था कि आप एक सेप लोगे, एक और सेप लोगे और यहाँ ले जाकर के रखोगे तो ये छिप नहीं रहा है, क्योंकि आपने ये यूज़ किया हुआ है। नहीं, सॉरी, ये तो नहीं होगा, ये कहाँ यूज़ है, ये तो अभी अनचेक है, कहाँ ये सेलेक्ट है। जब आप इसको कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, अब दोबारा लाओगे तो देखो ये छिप जा रहा है। तो इसको हटाने के लिए, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करेंगे, तो ये नहीं छिपेगा। देखो, जो छिप रहा था वो नहीं छिपेगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो आर पार दिख जाए। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, देखो और मैं सिखाता हूँ। जैसे मान लो आपने कोई सेप को ड्रा किया, है ना, अब ये आपका क्या है, फिल विथ कलर, ये बाल्टी जिससे आप कलर को डाल सकते हैं। हमने इस पर क्लिक किया और हमने इसको ग्रीन पर क्लिक किया और मैंने इसमें ग्रीन कलर डाला, ठीक है। चलिए, अब दोबारा से यहाँ पे कोई भी सेप को लेते हैं और हमने फिर से इसकी कलर को, मैंने सॉरी ये बाल्टी को लिया और मैंने रेड पे क्लिक किया और इसमें रेड डाल दिया, ठीक है। अब देखिए, फिर से यहाँ से सेलेक्ट वाले पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे, ये यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा, देखो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। लेकिन अगर ये वाला जो है, ये जो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, अगर ये ऑन नहीं रहता, ये ऑफ रहता, अब दोबारा अगर ले जाओगे तो देखो क्या होगा, हो रहा है ना दिक्कत, समस्या आ रही है। तो इसी को सॉल्यूशन करने के लिए हम इस पर कर देते हैं क्लिक और दोबारा इसको ला देते हैं, ताकि ये हम इसको ट्रांसपेरेंट जो है से कर सके। आपको समझ में आ गया, अगर ऐसी ड्राइंग आपको करनी हो तो ट्रांसपेरेंट कर लीजिएगा, ताकि आप इसको यहां पर रख सके,
इसको थोड़ा सा और छोटा कर सके और इसको उधर रख सके, और फिर से इसको कॉपी करके और इसको पेस्ट करके और इसको दोबारा से यहाँ से इसको यहाँ ला सके, फिर से पेस्ट करे और यहाँ ला सके, फिर पेस्ट करके यहाँ पर ला सके, है ना। तो ये होगा ट्रांसपेरेंट। अगर आप ट्रांसपेरेंट क्लिक नहीं करके रखते तो ऐसा आप नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा। अच्छा, और देखिए, मान लीजिए आप कोई भी इमेज को इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना, एमएस पेंट के अंदर। फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे और कोई भी इमेज को हम इसके अंदर इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। मान लो कि हम कर देते हैं इसको, ठीक है, हम इसमें इंपोर्ट कर दिए, ठीक है, ओके। अब देखिए, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, चलिए छोटा क्या, ये इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। देखिए अब क्या करेंगे, ये जो ए लिखा हुआ है ये इसको कहते हैं टेक्स्ट, यानी इंसर्ट टेक्स्ट इनटू द पिक्चर, यानी आप अपनी पिक्चर में टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं पहले इसको ऑफ कर देता हूँ, ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। अब ये जो टेक्स्ट वाला है इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं और अब यहाँ पे कुछ लिखते हैं, डी के वर्मा हमने लिख दिया। इसको थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं और हम लोगों ने इसको कर दिया ऐसे, ठीक है। डी के वर्मा आपका यहाँ पे हो गया है, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है ना, इसको इधर इसको रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए अभी ऐसा शो कर रहा है, आपने इस पर लिखा इसलिए ऐसा लिखा गया, लेकिन जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कर दिया हम लोगों ने, अब आपको इसको यहाँ मूव करेंगे, देखो ये मूव कर रहे हैं तो यहाँ से तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट, तो देखो अब ट्रांसपेरेंट मैं कर देता हूँ, रुको इसको यहाँ रख देता हूँ, इसको जैसे वैसे, ठीक है। मान लो मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंट, सही है। अब आपको यहाँ से अगर आप कंट्रोल दबाकर खींचोगे, ठीक है, अभी तो देखो इसको खींचोगे तो क्या होगा, मैं सिखा रहा हूँ, आप इसको सेलेक्ट करोगे, इसको खींचोगे तो ये यहाँ से कट करके जाएगा, ठीक है, यहाँ से कट करके जा रहा है। लेकिन अगर आप कंट्रोल दबा करके खींचोगे, पहले आप इसको सेलेक्ट कर लेना, कंट्रोल दबा करके खींचोगे तो ये वहीं के वहीं रह जाएगा और ये आपका चला जाएगा, आप देख रहे हो ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको ऐसा करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे जो है वो है क्रॉप। मान लो कि आप कोई भी शेप को ड्रा करते हैं, आपको इसको आधी भाग को काटना है, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप उसको सेलेक्ट करोगे, क्योंकि बिना सेलेक्ट के ना आप कट कर सकते हो, ना कॉपी, ना पेस्ट, ना क्रॉप, ना रिसाइज, है ना। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखो जब पहले सेलेक्ट नहीं था, देखो अभी ये वाला जो शेप है वो सेलेक्ट नहीं है, तो जब सेलेक्ट नहीं है तो ये जो क्रॉप वाला ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा भी सिलेक्ट कर लोगे तो वो देखो हाईलाइट हो जाएगा। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये क्रॉप हो गया, देखो क्रॉप हो करके नया पेज में खुल गया, समझ गए। अच्छा आगे अगला जो है आपके पास, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अगला है वो है रीसाइज। रीसाइज का मतलब होता है रीसाइज एंड एस्केप द पिक्चर और सिलेक्शन, यानी जो पिक्चर आपने इसमें डाल करके रखा है, जो सेलेक्ट करके रखा है, उसकी साइज को आप बढ़ा घटा सकते हैं, है ना। तो देखिए मान लो कि हमने यहाँ से शेप वाले सिलेक्शन में जा करके कोई भी छोटा सा एक हमने शेप को ड्रा किया, ठीक है। चलिए अब इसको हमने ड्रा किया, अभी रिसाइज वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट तभी होगा जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम जाते हैं सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे और इसको हम यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब रिसाइज वाला वो ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है, अब रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आप चाहो तो शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हो, है ना। जब आप हमारा कोर्स को बाय किए हो तो आपको नोट्स भी मिल जाता है, तो नोट्स में आप सारा शॉर्टकट की देख लेना और सारे शॉर्टकट कीज को याद कर लेना, क्योंकि यहां शॉर्टकट की बताने से कोई फायदा है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लेना और फिर याद करना, कंट्रोल डब्ल्यू, है ना।
आप यहां पे जाकर के क्लिक करो या कीबोर्ड में कंट्रोल डब्ल्यू दबा दो, बात बरोबर है ना। तो हम यहां पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऐसा पॉपअप खुलेगा जहां पे शो करेगा देखो रिसाइज और स्कीव डिग्रीज। अगर मान लो कि आप हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल में कितना चाहते हो, वर्टिकल में कितना चाहते हो, दो ऑप्शन है, एक परसेंटेज में दे सकते हो, दूसरा पिक्सल में मान यहां पे दे सकते हो, ये जो मान है ना वो परसेंटेज में दे सकते हो, अभी परसेंटेज है। मान लो हॉरिजेंटल आप कर देते हो 50 और कर देते हो ओके, देखो कैसा हो गया, ऑटोमेटिक इसकी जो साइज है वो रिसाइज हो गया, छोटा हो गया। फिर से इसमें जाओ और हॉरिजेंटल को आप कर दो 200, देखो दोनों ले रहा है ना, देखो ऑटो वो हो रहा है, मैं यहां पर रिसाइज पे क्लिक करता हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कि आप स्कीव वाला करना चाहते हो, ठीक है, देखो यहां पे मान लो मैं देता हूं 200, अब चेंज नहीं हो रहा है, पहले ये था क्या मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, यानी जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये मेंटेन करेगा, आप जितना डालोगे उसको ये खुद से मेंटेन करेगा और वर्टिकल वाले में वो खुद से मान को पुट करेगा, चाहे आप पिक्सल करो या फिर परसेंटेज करो। लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं हटा दोगे तो अगर आप मान लो के ऊपर रखते हो 200, नीचे रखते हो 50, तो वो उसी के अनुसार ये करेगा, जैसे देखो कर दिया ना। फिर से जाओगे, अब यहां पे ये है डिग्रीज ला सकते हो, तिरछाई दिखा सकते हो, मान लो कि 50 डिग्री हॉरिजॉन्टल में, ये 40, देखो ये कहां चला गया, देखो किस तरह से हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसका यूज जो है से कर सकते हो, ठीक है ना। अगर बाय द वे ये छोटा हो जाता है तो आप इसको खींच करके यहां से बड़ा कर सकते हो, ठीक है, ये बड़ा हो गया, तो आपने ये समझ लिया। अब रोटेट, मान लो कि आप कोई भी शेप यहां पे ड्रा आपने किया, इसको रोटेट करना है, तो देखो 90 डिग्रीज में ये देखो आप अपनी इच्छा अनुसार इसको रोटेट कर सकते हो। अगर अभी करोगे तो नहीं होगा, देखो फिर भी ये पूरा पेज हो जा रहा है, ये पूरा पेज हो जा रहा है, देखो शेप नहीं हो रहा है, पूरा पेज हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करो, सेलेक्ट पे जाओ, सेलेक्ट करो। अब अगर आप रोटेट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ फिगर रोटेट होगा, ठीक है ना, तो समझ गए आप। चलिए कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट देन डिलीट। अब हम लोग आते हैं टूल वाले में, टूल वाले में देखो क्या क्या है, पेंसिल है, फिल विथ कलर है, टेक्स्ट है, इरेजर है, और ये कलर पिकर है, और ये मैग्नीफायर है, ठीक है ना। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, पेंसिल। जब आप पेंसिल पे क्लिक करोगे ना तो पेंसिल छपेगा, अब आप जो लिखना चाहते हो, जैसे मैं लिखना चाहता हूं डी के वर्मा, मैंने लिखा डी के वर्मा, ठीक है। अब इसकी जो कलर है पेंसिल की वो ब्लैक है, अगर मैं कलर को चेंज करना चाहता हूं तो यहां पे रेड पिक कर दूंगा, चेंज हो जाएगा देखो। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है कि यहां पे कलर वन हो रहा है सो, और एक कलर टू सो हो रहा है। ये कलर वन क्या है, कलर वन फोरग्राउंड के लिए है, कलर टू बैकग्राउंड के लिए है। अब फोरग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, वो मैं अब समझाऊंगा, पहले थोड़ा समझ लीजिए। तो अगर आप इस पेंसिल की कलर को चेंज करना चाहते हैं तो कलर वन पे क्लिक रखना है, कलर वन पर ही क्लिक रखना है, उसके बाद इसको चेंज करना है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई भी कलर को चूज करते हैं तो वो कलर सेलेक्ट नहीं होता है, हम परेशान हो जाते हैं कलर को चूज कर करके, लेकिन कलर यहां पे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप पेंसिल का यूज करते हैं ना तो कलर वन को सिलेक्ट रख रहिएगा। तो हमने इसको सिलेक्ट करा और ब्लैक पे क्लिक किया तो देखो ब्लैक छप रहा है। आपको जो लिखना है वो आप यहां पे लिख सकते हो, लेकिन अभी हमारी जो पेंसिल है ये थोड़ा नुकीला दिख रहा है, जब हम कुछ भी यहां पे ड्रा कर रहे हैं तो ये नुकीला ड्रा हो रहा है। इसका कारण ये है कि इसकी जो आपने विड्थ रखा है, साइज जो रखा है वो पतला है, आप इसको मोटा कर दीजिए तो अब ये थोड़ा सा मोटा आपको दिखने लगेगा, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो एक चीज और है कि अगर आप पेंसिल की साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ इतना सा दिख रहा है, यानी कि ये लास्ट है आपका,
इसके बाद देखो कितना लास्ट है, लास्ट आपको ये कितना है मैं देख रहा हूँ लास्ट में क्या शो कर रहा होगा जरूर कुछ, हाँ 4 पिक्सल ये लास्ट है, इससे ज्यादा आप मोटा नहीं कर सकते। देखो कलर को चेंज करो, इससे ज्यादा आप मोटा नहीं कर सकते हो। तो अगर आप इससे ज्यादा मोटा करना चाहते हो तो कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में प्लस बटन दबाकर रखो, दबा करके रखो या बार बार दबाते रहो। तो जैसे ही आप दबाओगे तो ये और मोटा हो जाएगा, देखो हो गया ना मोटा, और दबाओ, दबा करके रखो, अब देखो देखो इतना मोटा हो गया। और देखते हैं कंट्रोल के साथ में प्लस दबा करके रखो, कंट्रोल के साथ में नम लॉक तरफ होता है ना प्लस बटन, उसको दबा करके रखो, देखो ये लास्ट आ रहा है। तो इतना मोटा हम लोगों ने कर दिया, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोगों ने इसका यूज कर लिया, कलर टू का भी यूज करेंगे। वेट कीजिए वेट कीजिए वेट कीजिए, मैं बताऊंगा आगे है। फिल विथ कलर, अगर आपको किसी भी शेप के अंदर कलर को फिल करना हो, जैसे मान लो कि आपने कोई शेप को ड्रा किया और आपको इसके अंदर ब्लैक कलर डालना हो, तो सबसे पहले तो यहां देखना होगा कि आपका जो कलर है वन वो क्या है और कलर टू क्या है। अगर कलर वन रेड है और अगर आप यहां पे बाल्टी को लेते हो और यहां डालते हो तो ये रेड हो जाएगा। अगर कलर वन ग्रीन है और अगर आप यहां डालो ग्रीन हो जाएगा, यानी कि कलर वन जो देखो जैसे जैसे हम यहां पर क्लिक कर रहे हैं वैसे वैसे कलर वन वो शो कर रहा है कि ये कलर आपने सेलेक्ट किया हुआ है। देखो चेंज हो रहा है ना, तो ये डाल सकते हो। देखो कलर टू को चेंज करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डालो कुछ नहीं होगा। कलर वन को अगर आप चेंज करोगे तभी इसमें आएगा, है ना। तो आप किसी भी शेप में इसके थ्रू कलर को डाल सकते हो। अगर बाहर डालोगे तो बाहर में डल जाएगा, अगर आप बाहर में करोगे तो बाहर में हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, देखो क्या हुआ। देखो देखो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट और डिलीट, देखो क्या हो रहा है। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट देन डिलीट, देखो क्या हो रहा है। मान लो अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे और डिलीट करोगे क्या होगा, देखो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं तो ब्लैक हो जा रहा है। इसका कारण, कारण है आपका कलर टू, क्योंकि कलर टू बैकग्राउंड होता है। क्लिक हेयर एंड देन सिलेक्ट अ कलर फ्रॉम द कलर पैनल, दिस कलर इज यूज विथ द इरेजर एंड फॉर शेप फिल्स। यानी भैया ये बैकग्राउंड में आपका है, आपने बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया था, तो आप जब कुछ भी डिलीट करोगे तो बैकग्राउंड में ब्लैक वाला दिखेगा ना, तो आप क्या कर दो इसको, सॉरी कलर टू को इसको व्हाइट कर दो, कलर टू को व्हाइट। अब अगर आप कुछ डिलीट करोगे तो क्या होगा, व्हाइट में होगा। तो पहले से बाय डिफॉल्ट कलर टू जो रहता है वो रहता है व्हाइट, इसी वजह से जब हम कुछ डिलीट करते हैं तो व्हाइट हो जाता है। लेकिन अगर कलर टू को रेड कर दोगे और जब कुछ भी आप डिलीट करोगे तो रेड हो जाएगा। तो पहले से व्हाइट था तो डिलीट करते थे तो व्हाइट रहता था, अब अगर हम कलर टू को रेड कर देंगे तो अब कुछ डिलीट करेंगे तो रेड होगा, सिंपल। हाँ अब समझिए, कलर वन ब्लैक है, कलर टू रेड है, देख लो कलर वन ब्लैक है कलर टू रेड है, समझो क्या होगा। से माउस का लेफ्ट बटन दबाओ और कोई भी शेप को ड्रा करो, माउस का लेफ्ट बटन दबाओ और कोई भी शेप को ड्रा करो, ब्लैक में हो रहा है। अब माउस का लेफ्ट बटन मत दबाओ, माउस का लेफ्ट बटन मत दबाओ, अब माउस का राइट बटन दबा करके खींचो। समझ में कुछ आया? अगर आप माउस का लेफ्ट बटन दबा करके कोई भी शेप को ड्रा करोगे तो कलर वन को ले रहा है, और अगर माउस का राइट बटन दबाते हैं तो ये कलर टू को सिलेक्ट कर रहा है। अब आप इसको यहां पे नजदीक ले जा सकते हो, हां नजदीक ले जाएं तो ऐसा होगा। हां हमें कुछ याद आ रहा है, कुछ चीजें देखो, कलर टू रेड था ना
तो रेड हो गया। ठीक है, देखो मुझे कुछ ट्रिक याद आ रहा है, वो जो ट्रिक है वो है सेलेक्ट के अंदर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में। ठीक है, देखो क्या था, आप कोई भी शेप को यहां पे लाते हो, इसकी कलर को करते हो रेड, सॉरी कलर वन था ना, चल रहने दो, फिर से जाते हो इसको और इसको कर देते हो, इसको कर देते हो रेड, और फिर से आप ड्रा करते हो। ठीक है, देखो आपने इसको ड्रा किया। ठीक है, अब मान लो इसको यहां पर आपने इसको सिलेक्ट किया, अब सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है सिलेक्ट वाले में और यहां पे देख लेना है कि ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है या नहीं। तो यहां पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है, अब क्या करना है देखो, अब शिफ्ट दबा करके इसको ऐसे खींचना है, ये देखो नहीं काम कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, तो देखो मैं करवाता हूं काम। कोई भी इस शेप को ड्रा करो, इसकी विड्थ को पतला कर दो थोड़ा सा, इसको रेड कर दो, दोबारा से शेप को एक छोटा सा शेप को दोबारा ड्रा करो इसके अंदर, आपको जो जैसा करना है कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको सिलेक्ट करो, है ना, अब शिफ्ट बटन दबा करके इसको खींचो। देखो तो ये जो कमाल था वो ट्रांसपेरेंट से था, इसका यूज किया हमने, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज किया। जैसे देख लो, मान लो आपने कोई शेप ड्रा किया और आप यहां किसी का मुंडी बनाते हैं, मान लो आपने एग्जांपल्स में आप ये करते हैं, मान लो ऐसे आपने किया, इसमें आपने येलो दिया, सॉरी कलर को फिल किया येलो, इसका दो आंख आपने बना दिया। एग्जांपल्स में कैसा बनाऊं, मैं देख लेता हूं, ये गोलाकार, मैं मान लीजिए आपने यहाँ पे एक आंख दिया, इसको क्या हो गया, चलो ब्लैक, आपने यहाँ पे आंख दिया, ठीक है ना, इसके थोड़ा सा नीचे, और आपने एक और शेप को यहाँ पे बनाया इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है ना। अब मान लो आप इसको कॉपी करते हो, सिलेक्ट करते हो, आप शिफ्ट दबा करके इसको खींचोगे तो क्या होगा, ऐसे बनेगा। तो कहने का मतलब आप जैसे चाहते हो, मान लो कि आप चूड़ी बनाना चाहते हो तो सिलेक्ट करो ऐसे, और यहां से इसको फिर सिलेक्ट करो और शिफ्ट बटन दबा करके इसको ऐसे घुमाओ, है ना। तो जैसे आप बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो, बस सिलेक्ट करो और ध्यान रहे कि आपका ये ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। ट्रांसपेरेंट अगर नहीं रहेगा तो वह काम नहीं करेगा, है ना। सीढ़ी जैसा बनाना है तो आप वही करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, है ना, और एक और इसको डुप्लीकेट बनाओगे ऐसे, और इसको सिलेक्ट में जाओगे, इसको सिलेक्ट करोगे, और वही वाला हल शिफ्ट दबा करके इसको ऐसे करोगे। ट्रांसपेरेंट यहाँ पर नहीं है, शिफ्ट दबा करके ऐसे करोगे, देखो ये बेकार हो गया। देखो मैं फिर से कर देता हूँ एक और ड्रा, ये वाला शेप मैं ड्रा कर देता हूँ, और सिलेक्ट में जा करके सिलेक्ट करता हूँ और इसको शिफ्ट दबा करके नीचे खींचता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसा बनाना चाहते हो वैसा बनेगा, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो कलर वन में माउस का लेफ्ट बटन यूज होता है, कलर टू में माउस का राइट बटन होता है। अगर आप कलर वन में ब्लैक है, कलर टू आपका रेड है, तो लेफ्ट से आएगा कलर वन और राइट से आएगा कलर टू। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिए आगे है यहाँ पे टेक्स्ट, यानी इसके जरिए हम अपने इस प्रोजेक्ट फाइल में, ये जो हमारा पेंट वाला फाइल है, इसमें हम कुछ नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना, कुछ टेक्स्ट को लिख सकते हैं। देखिए जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे, अभी ध्यान से देखोगे तो फाइल है, होम है और व्यू है, लेकिन जैसे ही यहां पे क्लिक करोगे और इसे खींच करके ड्रा करोगे तो यहाँ पे फाइल, होम और व्यू और एक्स्ट्रा में टेक्स्ट आ जाएगा। यानी कि देखो चार मेनू आपके पास हो गया और यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज हो गया। चलिए सीखते हैं। तो ये नाम वगैरह लिखने के लिए होता है, मैं लिखूंगा यहाँ पे ए आई ओ कंप्यूटर, हमने लिख दिया। अब मान लो कि सारे टेक्स्ट में मुझे अलग अलग कलर डालना है, ए में कुछ अलग कलर डालना है, बी में कुछ अलग कलर डालना है, सी में कुछ अलग कलर को डालना है, ओ में कुछ अलग डालना है, तो वही करोगे। होम में जाओगे, ये बाल्टी को लोगे, कलर वन में जाकर के रेड करो,
इसको आप करोगे रेड, इसको करो फिर ग्रीन, इसको करो ये ग्रीन, इस पर क्लिक करो, इस पर करो, इसको सेलेक्ट करो, इसको डालो और ये वाला पे क्लिक करो, ये तो पूरा हो गया, इस पर करना है। टेक्स्ट के बाहर अगर डालोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जरा ध्यान देना। देखो हो गया ना, अब फिर से सिलेक्ट करो और शिफ्ट दबा करके नीचे खींच दो, ये अभी नहीं हुआ क्योंकि ट्रांसपेरेंट यहां पे नहीं है। अब सिलेक्ट करो और शिफ्ट दबा कर खींच दो, फिर से नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसा इशू आता है, ठीक है ना, देख लेना, सिलेक्ट करो और खींचो, देखो तुम लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूं, देखो क्या हो रहा है, कभी कभी होता है। तो अपनी यहां पे करा नाम धारा यहां पे लिखा, तो फिर से यहां पे क्लिक करो और मान लो आपने यहां पे लिखा डेकेवर में, अब देखो इसको सिलेक्ट करो, अब मान लो इसकी कलर को चेंज करना है तो सिलेक्ट करो और यहां पे ब्लैक कर दो, ये कलर वन के लिए है, लेकिन अगर आप कलर इसको सिलेक्ट करोगे, इसको अगर आप सिलेक्ट करोगे और कलर टू में आप ब्लैक कर दोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, देखो क्या हो रहा है, सिर्फ ये शो कर रहा है कि आप कौन सा कलर ले रहे हो, यहां पे कलर टू में देखो चेंज हो रहा है ना, लेकिन यहां पे कहां चेंज हो रहा है। अगर टेक्स्ट की कलर को चेंज करना है तो कलर वन में जाना होगा और इसको यूज करना होगा, देखो चेंज हुआ ना, लेकिन अगर आप कलर टू का यूज करना चाहते हो तो ओपेक के साथ करो, आप ओपेक पे क्लिक करो, अब देखो क्या हो गया, कलर टू हो गया ना, कलर टू में जाओ चेंज करो, देखो हो गया ना, हो गया ना, देखो। यानी मैं फिर से दिखाता हूं, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी कलर को चेंज करने के लिए आप कलर वन में जाना, तब आप कलर को चेंज करना, और ये जो ट्रांसपेरेंट है उस पर क्लिक करके रखना तो बैकग्राउंड का जो कलर है वो हट जाएगा, नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप ये जो डीके वर्मा लिखा हुआ है इसके बैकग्राउंड में अगर आप कुछ कलर डालना चाहते हो तो आप क्या करो, आप ओपेक पे क्लिक करो, कलर टू में जाओ और इसकी कलर को जो आपको इच्छा वो कर दो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए बैक करके, ठीक है। तो बैकग्राउंड की कलर डालने के लिए हम ओपेक को सिलेक्ट करेंगे और कलर टू को चेंज करेंगे, और टेक्स्ट की कलर को चेंज करने के लिए ट्रांसपेरेंट क्रेस करेंगे और सिर्फ टेक्स्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको भी रहने दो, क्या दिक्कत है। हाँ, अगर आप इसकी स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो देखो ये है फॉन्ट, आपको जो फॉन्ट अच्छा लगता है वो आप यहां पे ला सकते हो। इसकी साइज अगर आप बड़ा छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो, है ना, ये फॉन्ट है। अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो ये बी है, बोल्ड करो मोटा हो जाएगा, तिरछी करो इटैलिक हो जाएगा, है ना, और अंडरलाइन करो तो अंडरलाइन हो जाएगा, देखो हो गया ना, स्ट्राइक थ्रू करो तो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, देखो हो गया। तो आपको जैसा चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, इटैलिक चाहिए, फॉन्ट बदलना है, साइज बदलना है, जो करना है करो, क्या दिक्कत हो रहा है। लेकिन अगर कोई आपसे सवाल कर देगा कि अगर आपको इसकी साइज को बड़ा करना है, ये जो डीके वर्मा लिखा हुआ है इसकी साइज को अगर आपको एडिट करना है, बड़ा करना है, तो आप सिलेक्ट करोगे और यहां पे जाओगे, लेकिन यहां पे तो सिर्फ 72 है, लास्ट में सिर्फ 72 है, लेकिन अगर आपको इससे भी बड़ा आपको अगर करना होगा तो क्या करोगे, तो देखो क्या करोगे, मैं दिखाता हूं आपको, देखना क्या लिखना है, आपको कीबोर्ड में दबाना है कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो और राइट एरो, यानी कि कंट्रोल के साथ में शिफ्ट बटन दबाना है और लेफ्ट एरो दबाओगे तो छोटा होगा, राइट एरो दबाओगे तो बड़ा होगा। सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट, कितना बड़ा हो गया कि पता भी नहीं चल रहा है, लेस देन, सॉरी हमने आपको गलत बता दिया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एरो का यूज नहीं करना है, उल्टा होगा, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और ग्रेटर देन यूज करना है, ग्रेटर देन से बड़ा होगा, लेस देन से छोटा होगा, ठीक है। चलिए ये आपने सीखा। अगर आपको कोई कलर एडिट करना है खुद से, जैसे क्या था पहले कि अगर हम कुछ सिलेक्ट करते थे, मान लो कि हमने रेड किया, तो हम सिर्फ ये वाला नहीं ले सकते हैं, हम यहां से एडिट कलर करके
अब अपने अनुसार यहाँ पे चूज करके यहाँ से और ओके कर सकते हैं, ठीक है ना, इसके अनुसार। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट वाला जो मेन्यू है वो कंप्लीट हो गया। कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट देन डिलीट। बैकग्राउंड में वाइट कर देता हूँ। चलिए अब मेरा इरेजर बचा, कलर पिकर बचा और मैग्नीफायर बचा, ब्रश बचा, सेप तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आउटलाइन बचा, फिल बचा, साइज बचा। अब व्यू में थोड़ा सा बचा हुआ है ना, तो देख लेते हैं जहाँ तक आज हो पाते हैं। चलिए हम यहाँ से इरेजर का यूज़ करेंगे। तो इरेजर का यूज़ करने से पहले आपको कुछ यहाँ पे ड्रा करना है। अब इरेजर पे जाओ और इसको इरेज करो। आपके मन में कन्फ्यूजन सा होगा, अगर कोई आपसे पूछेगा कि जब हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं तो ये हट जा रहा है ना। देखो जब आप इरेज कर रहे हो तो ये हट जा रहा है, लेकिन ये हटता नहीं है भैया, हटता नहीं है। आप ब्लैक वाले कलर पर रेड अति वाइट वाला कलर डालोगे तो वो छुपेगा ना। पहले तो ये जो इरेजर की जो साइज है ना वो बड़ा कर लेते हैं। साइज आप यहां से बड़ा करोगे तो ये लास्ट है, इतना होगा। ठीक है, तो अगर आप इरेजर की साइज को बड़ा करना चाहते हो तो कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में प्लस वाला बटन दबाओ, दबा करके रखो या दबाते रहो, ये लास्ट हो गया। अब अगर आप इरेज करोगे तो आसानी से इरेज होगा, लेकिन इरेज नहीं होता है बल्कि इसमें वाइट वाला कलर डाला जाता है, इसमें कलर डाला हुआ है। देखो यहां पे जाओगे तो इसमें वाइट वाला कलर डाला गया। देखो अब मैं इसको प्रूफ कैसे करूंगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इसमें इरेज नहीं हो रहा है बल्कि इसमें वाइट वाला कलर डाला जाता है। कैसे, देखो कलर टू क्या था, कलर टू वाइट है और ये बैकग्राउंड के लिए है, यानी कि जब आप कुछ डिलीट करोगे तो बैकग्राउंड वाला कलर दिखेगा। जब आप कुछ भी डिलीट करोगे अपने पेज के अंदर तो बैकग्राउंड वाला कलर दिखेगा ना, तो बैकग्राउंड वाला कलर वाइट है तो आपने जब कुछ इरेज किया तो क्या वाइट ही ना दिखेगा। लेकिन अब कर दो यहां पे रेड, अब देखो इरेज करके देखो इरेज नहीं हो रहा, ये लग रहा है कलर डल रहा है इसमें। तो यही होता है कि पहले था वाइट, जब कुछ इरेज करते थे तो वाइट होता था, लेकिन यहां पे वाइट नहीं हो रहा है, अब रेड हो रहा है, क्योंकि मेरा कलर टू है वो रेड है, बैकग्राउंड कलर रेड है, तो इस वजह से होता है। तो आपको ये एक्स्ट्रा चीज सीखने को मिला, आप डिलीट कर दो, ठीक है ना। अगर कलर टू रहेगा रेड और अगर आप डिलीट करोगे तो पूरा बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड कलर है ना। चलिए आगे देखिए, मैं वाइट कर देता हूं बैकग्राउंड कलर। तो इरेजर आपने देख लिया यूज करना, कुछ इरेज करने के लिए, से मान लो कुछ आप करते हो इरेज करना चाहते हो तो उसको इरेज कर सकते हो, और क्या है इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे है आपका ये कलर पिकर, पिक अ कलर फ्रॉम द पिक्चर एंड यूज इट ड्राइविंग। देखो क्या है इसका मतलब, मान लो कि आप कोई भी शेप को ड्रा करते हो, ठीक है, या किसी के द्वारा ये ड्रा किया गया है, या आपने कोई भी इमेज को अपने एमएस पेंट के अंदर डाल के रखा है। जैसे मान लो कि मैं यहां पे कोई भी इमेज को ओपन कर लेता हूं, ठीक है, मान लो हमने ये इमेज को ओपन किया। अब एग्जांपल्स में मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है, यहां पे देखो, अब ये जो हमारा इमेज है, अब इस इमेज में कौन कौन से कलर यूज किए गए हैं, कितना मेंटेन किया गया है, ये तो मेरे को जानकारी नहीं है, मेरे को पता थोड़ी है कि कौन सा कलर यूज है, कितना मेंटेन किया है, कैसे कैसे मैनेज किया है, वो थोड़ी पता है। तो इसको करने के लिए हम कलर पिकर का यूज करते हैं, ताकि ताकि हम किसी भी इमेज का कलर को चुरा सके, मतलब ये इमेज के कलर को हूबहू चुरा लेता है। मान लो कि आपने कोई शेप को ड्रा किया, अब इसके अंदर आपको ये वाला कलर को डालना है, ये ग्रीन वाला कलर, तो अगर आप यहां से ग्रीन वाला कलर को चूज करोगे और ये बाल्टी को लेकर के अगर आप डालोगे, ये कलर वन में ना, अगर बाल्टी को लेकर डालोगे तो ये हो गया, क्या मैच कर रहा दोनों, नहीं कर रहा है। तो इस मैं यहां हटाता हूं, तो इस वाली कलर से उठा करके, ये कलर को उठा करके इसमें डालने के लिए हम कलर पिकर का यूज करते हैं। देखो
आप कलर पिकर पे क्लिक करो। अब यहां पे चूज करो कि कहां का कलर इसमें डालना है। मान लो आपको ये येलो वाला डालना है, तो यहां पे क्लिक करो, ये बाल्टी आ जाएगा। अब आप जाकर के डाल देखो, हो गया ना। दोबारा से यहां पे जाओ कलर पिकर में, और मान लो आप इसको चूज करो, ये रेड वाला। अब जाकर के डालो, देख रहे हो आप। तो आप किसी भी दूसरे इमेज के कलर को चुरा करके आप अपने शेप में, बैकग्राउंड में उस कलर को यूज कर सकते हो। क्योंकि मान लो कि अगर एग्जांपल्स में किसी भी व्यक्ति का अगर फोटो है, तो फोटो में उसकी जो आंख है, तो आंख का जो आईब्रो होता है आंख में, तो वो थोड़ी आप चूज करोगे। तो क्या करोगे, उसकी आंख वाला जो कलर है उसको सिलेक्ट करके आप जिसमें बना रहे हो, जो ड्राइंग कर रहे हो, उसमें आप डाल सकते हो। यानी किसी दूसरे का कलर चुरा करके आप अपने के लिए यूज कर सकते हो, है ना। चलिए आगे है आपका मैग्नीफायर। ये एक्चुअली में जूम करने के लिए, जब आप इस पर क्लिक करोगे और जहां पर भी देखो ऐसा हो जाएगा, जब आप वहां पर क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा, जहां पर भी एक बार माउस का लेफ्ट बटन दबाओगे ये जूम हो जाएगा। देखो देखो, इसको आप इधर करो, यहां क्लिक करो, इधर करो, यहां क्लिक करो, तो ये जूम हो रहा है। दोबारा क्या करो, आप इसको माउस का राइट बटन दबाओ, छोटा होगा, है ना। माउस का लेफ्ट बटन दबाओगे जूम करेगा, माउस का राइट बटन दबाओगे जूम आउट करेगा। तो यही हुआ, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेज के अंदर बहुत सारे मैटर हो जाते हैं और उसको देखना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग मैग्नीफायर का इस्तेमाल करके माउस का लेफ्ट बटन दबा करके जूम इन कर सकते हैं, और माउस का राइट बटन दबा करके हम जूम आउट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो ऑप्शन है आपके पास है ब्रश। ये जो ब्रश का ऑप्शन है, जब आप ब्रश वाले सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तरह तरह के ब्रश दिखाए जाते हैं। जो यहाँ पे दिखाया जाता है वही एक्चुअली में शो करता है। दैट मीन्स अगर मान लो कि आप पहले वाले ब्रश का यूज करोगे तो इस तरह का ब्रश काम करेगा, दूसरे वाले का यूज करोगे तो इस तरह का काम करेगा। अगर अब देखो, अब आपका मैटर क्या है, क्या बनाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप जैसा जहां डालना चाहते हो कलर को, जैसा करना चाहते हो उसको, वैसा आप यूज कर सकते हो। देखो ये भूरा भूरा सा है, ये ऐसा सो आ रहा है ना, और ये जो है वो ऐसा आ रहा है। तो आपको जहां पे जो यूज करना है आप उसको, ये लग रहा है ब्लड तरह से, ये ब्लड जैसा दिख रहा है कि किसी ने ब्लड पोंछ दिया है इसके अंदर, देखो। ठीक है जी, चलिए ये तो ये तो सेफ हो गया। आगे है आउटलाइन फिल। देखो अभी ब्लैक ग्रीन हो गया, क्योंकि कलर टू ग्रीन है। इसको बाइट करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे और डिलीट करेंगे, दोबारा बाइट हो जाएगा। देखो मान लो आपने कोई शेप को ड्रा किया, ठीक है। अब देखो, अब इसकी आउटलाइन ये हुआ आपका। पहले तो आउटलाइन की जो विड्थ है ये पतला है, इसको आप मोटा करो। अब ये लास्ट है, एक इससे ज्यादा अगर आप मोटा करना चाहते हो आउटलाइन को, तो कंट्रोल के साथ में प्लस दबाओगे तो क्या हो रहा है, देखो हो गया। यानी कि हम किसी भी शेप का आउटलाइन मोटा कर सकते हैं कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में प्लस दबा करके। ये तो समझ में आ गया। तो आउटलाइन का जो स्टाइल होता है वो तरह तरह के होते हैं। आप क्या करो, आउटलाइन में जाओ, आप सॉलिड करना चाहते हो, ये चाहते हो, ऐसा चाहते हो, ऑयल में देखना चाहते हो, देखो जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे देखो, ऐसा चाहते हो या ऐसा वाटर वाला चाहते हो, जिस तरह का स्टाइल चाहते हो आउटलाइन का वो स्टाइल यूज कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, कभी कभी मिस्टेक से आउटलाइन हो जाता है नो आउटलाइन। और जब नो आउटलाइन हो जाता है और जब हम कोई भी शेप को ड्रा करते हैं तो ड्रा होता ही नहीं है, सिर्फ ऐसा आता है। देखो हम कोई भी कलर को चूज कर लो, आप कोई भी कलर को ले लो, कुछ भी कर लो, ये ड्रा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आउटलाइन आपने नो करके रखा है, आप इसको सॉलिड तो करो, आप ड्रा करो, देखो छपेगा। आउटलाइन को ज्यादा मोटा हो गया है तो कंट्रोल के साथ में माइनस दबाओ, कंट्रोल के साथ में माइनस दबाओगे तो ये पतला होगा।
तो ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अगर नो आउटलाइन रहेगा तो कुछ भी ड्रा करोगे तो सिर्फ ऐसा ही शो करेगा, लगेगा कि सिलेक्ट वाला काम कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए उसी तरह से सेम फिल है, जो आउटलाइन के अंदर ऑप्शन था वही ऑप्शन फिल के अंदर है। मान लो कि इस शेप के अंदर कोई कलर को फिल करना चाहते हो तो आप क्या करो, कलर को चूज करो और ये बाल्टी को लो और इसमें डाल दो, ठीक है जी। ये फिल करने के लिए कलर वन यूज करना, ठीक है, देखो ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ फिल के लिए है, इसमें फिल करने के लिए। साइज आपने सीख लिया, कलर वन जान गया आपने, कलर टू भी सीखा, एडिट कलर भी जाना आपने, बस। तो अब ये एडिट विद 3D पेंट, अगर आप विंडोज 10 यूज करते हैं तो आप इसको 3D में यूज कर सकते हैं। आपका एक स्पेशल होता है एमएस पेंट के अंदर 3D, बहुत मजा आता है, मुझे तो चलाने में काफी मजा आता है। इसमें लॉगो बनता है मत पूछो, लॉगो तो इतना मतलब मस्त मस्त इसके अंदर बनता है कि आप कहो ही नहीं, क्योंकि ये 3D है ना। इसमें लॉगो अगर कुछ बना, देखो क्या लॉगो बना, सिर्फ ये देखो ये लॉगो बन चुका है, ये 3D है। तो अगर आप विंडोज 10 यूज करते हो तो इसको आप सीखना खुद से, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या है, हमारा व्यू बचा है, सिर्फ क्या बचा, व्यू। व्यू में जूम इन है, जूम आउट है, ये सारा दिख रहा है। मैं ये भी बता देता हूँ, आज आपको एमएस पेंट खत्म कर ही देता हूँ, ठीक है ना। कल से हम लोग नोटपैड सीखेंगे और नोटपैड मैं कल नोटपैड भी पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। और परसों वर्डपैड चलेगा 2 दिन तक, ठीक है। तो चलिए शॉर्टकट की के लिए नोट्स देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर मान लो कि आपको जूम करना है तो आप यहां पे क्लिक करोगे, है ना, मैं इसको पहले तो हटा देता हूं। देखो यहां पे क्लिक करो, देखो जूम हो रहा है, यहां पे करो जूम आउट हो रहा है। तो मान लो कि आपने ज्यादा जूम आउट कर दिया, आपने ज्यादा जूम इन कर दिया, तो आप 100% करके ओरिजिनल में ला दो, ये बाय डिफॉल्ट रहता है, ये पहले से बाय डिफॉल्ट रहता है। ज्यादा जूम कर दोगे, ज्यादा जूम आउट कर दो, कुछ भी कर दोगे तो आप 100% कर सकते हो, ठीक है। आगे ये रूलर्स हैं, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो चारों तरफ रूलर्स दिखाई देगा। देखो ऊपर में, ऊपर में देखो, मैं दिखा रहा हूं आपको क्या हो रहा है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये पहले तो मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये खुल जा रहा है, मेरा जो शॉर्टकट की है वो काम नहीं कर रहा, चलो मैं दिखाता हूँ। ये जो ऊपर में था आपका, ये रूलर्स देखो, 400 500 600 700 ये रूलर्स है, है ना। चलिए आगे है ग्रिड लाइंस, अगर आप इसमें देखो, जैसे ही मैंने ग्रिड लाइंस पे क्लिक किया तो इसके बैकग्राउंड में ग्रिड लाइन आ गया, देख सकते हो। रूलर्स को ऑफ करना है, ग्रिड लाइंस को ऑफ करना है, ऑफ हो गया। अच्छा आगे क्या है, आगे है आपका, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि ये जूम नहीं हो रहा है, ये क्लिक किया, चलो मैंने क्लिक किया, अब देखते काम कर रहा है, अभी भी काम नहीं कर रहा है, ये जूम वाला सॉफ्टवेयर मेरा काम नहीं कर रहा, चलो कोई दिखाते हैं। ये जो स्टेटस बार है वो क्या है मैं दिखाता हूँ, देखो अभी नीचे में देखो कि यहाँ पे ये कुछ शो कर रहा है, ये देखो 1353x554 पिक्सल, साइज 39.6 KB, 100% जूम, माइनस प्लस, ये सारा जो है ना उसको हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि इन सभी चीज़ों को हम लोग स्टेटस बार कहते हैं, लेकिन लेकिन अगर आप इसको यहाँ से ऑफ कर दोगे तो जो स्टेटस बार था वो दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन जब आप उस पर क्लिक कर दोगे तो दोबारा से स्टेटस बार आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड में चाहे तो F11 दबा सकते हो, या यहां पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में देख सकते हो और दोबारा से F11 दबा के इसको ओरिजिनल ला सकते हो, ठीक है। यानी कि फुल स्क्रीन में देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे है थंबनेल, थंबनेल अभी नहीं दिखाई, सॉरी थंबनेल अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये हाईलाइट नहीं है। ये जो थंबनेल वाला ऑप्शन है ये तभी हाईलाइट होता है जब आप थोड़ा सा जूम करते हैं, देखो ये हाईलाइट हो गया। अब अगर आप थंबनेल करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा लेंस आएगा, देखो यहाँ पे
आप इसको यहाँ से देखो, ये बड़ा कर सकते हो इसको इस तरह से, ये आपका हो गया डबल स्क्रीन, ये आपका डबल स्क्रीन हो गया। आप यहाँ पे कुछ काम करोगे तो आप इसमें देख सकते हो, क्योंकि देखो ये जो हमारा स्क्रीन है वो थोड़ा सा बड़ा है। अब जब बड़ा स्क्रीन है तो हमको देखना मुश्किल हो जाता है, तो इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और स्क्रीन को ला देते हैं और यहाँ पे कुछ काम करेंगे, वहाँ शो करेगा कि हाँ भैया ऐसा शो कर रहा है, ऐसा शो कर रहा है। देखो बस ये डबल स्क्रीन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना जी। बाकी की जो चीज़ें हैं वो खुद से प्रैक्टिस करना, और हो सके तो मैं और भी एडवांस वीडियो माइक्रोसॉफ्ट पेंट पर जरूर लाऊंगा और कुछ मैं इसमें एक्स्ट्रा पेंटिंग करके आपको दिखाऊंगा। आई होप ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। फिर से नई वीडियो के साथ अगले दिन मिलेंगे।